आज की इस परिचर्चा में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। ये परिचर्चा डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत एसटी कॉलेज अम्बाला कैंट और आरके एसटी कॉलेज कैथल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये परिचर्चा जो है वो इस बात के ऊपर आधारित है कि जो अभी एनईपी में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके अधीन जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में विभिन्न विभागों द्वारा जो सिलेबसेस बनाए गए हैं, पाठ्यक्रम बनाए गए हैं, उन पाठ्यक्रमों में जो संस्कृत का पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम की समीक्षा के हेतु इसको हमने आयोजित किया है। और उसके क्या कारण हैं और क्या नहीं है उन सब की हम संक्षिप्त सी चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद आप लोगों के जो विचार हैं, टिप्पणियां हैं, जो सुझाव हैं, उन सबको हम उसमें लेंगे। ये चर्चा दो कारणों से महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि हमें स्पष्टता हो कि ये सारे का सारा जो पाठ्यक्रम बनाया गया है इसके बारे में हमें एक विस्तृत और व्यापक समझ हो, और दूसरा इसका जो है वो हमें कॉन्टेक्स्ट भी समझ में आए कि इस सारे पाठ्यक्रम के द्वारा हम करना क्या चाहते हैं। तो इसलिए बिना किसी विशेष औपचारिकता के मैं आप लोगों के लगभग अगले 7-8-10 मिनट लूंगा और फिर इस चर्चा को हम ओपन करेंगे। और इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप कुमार राय जो हैं मास कम्युनिकेशन से, जिन्होंने संस्कृत शास्त्र के आधार पर क्रिटिकल थिंकिंग का मॉडल डेवलप किया है और विदेशों में भी उसको पढ़ाया है, अपने छात्रों को भी पढ़ा रहे हैं मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर सदानंद जी भी जुड़ चुके हैं जो कि साइकेट्रिस्ट हैं मूलतः महाराष्ट्र में, और बहुत सारी वीडियोस इन्हीं विषयों पर वो उन्होंने हमारे पास हमारे साथ साझा करते रहे हैं समय समय पे, और अपने सुझाव भी हमारे साथ साझा करते रहे हैं। तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सीधे सीधे कि जो नया सिलेबस है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जो संस्कृत का नया पाठ्यक्रम नए के नाम पे जो कुछ किया गया है उसको लेकर के है। हाँ, एक बात और मैं कह दूं इससे पहले कि हम चर्चा को अग्रसर करें कि इस चर्चा में हमें किसी व्यक्ति से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी व्यक्ति से हमारा कोई संबंध नहीं है। संज्ञा जो है वो BOS है, बोर्ड ऑफ स्टडीज डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत। तो कृपया अपने सुझाव देते हुए, समीक्षा करते हुए केवल उसी शब्द का प्रयोग करें, क्योंकि व्यक्तिनिष्ठ होने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए BOS के द्वारा, बोर्ड ऑफ स्टडीज के द्वारा जो प्रस्तावित किया गया है पढ़ाने के लिए उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो उसमें जो देखने और समझने वाली बात है कि अब हमें जो मौका मिला है इस NEP के दौरान कि संस्कृत को हम सुप्रतिष्ठित और पुनः स्थापित कर सकें और उसे सुसंगत बना सकें, तो वो सबसे पहला कि क्या वो शास्त्र जिसे हम नॉलेज सिस्टम कहते हैं उसके अनुकूल है, उसके पीछे की युक्ति क्या है, और फिर उस आपका अनुभव जो हम टीचर्स हैं जो अपने आप को हम कहते हैं कि हम पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, उनका अनुभव क्या कहता है। तो इन तीनों में संगतता है कि नहीं है, इस आधार पर क्या ये पाठ्यक्रम युक्ति संगत है या नहीं है ये बात जानी। दूसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो है कि जितना भी जो भी सिलेबस मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा जो उन्होंने बनाया है उसकी यूटिलिटी या उपयोगिता है, क्या वो सार्थक और मीनिंगफुल है, क्या वो रेलिवेंट है, और क्या वो अप्लाइड इन नेचर है कि नहीं है, ये विषयों को हम देखेंगे। तो कुल मिलाकर के हमें ये देखना है कि इसमें कोई वस्तुतः चेंज की गई है या नहीं की गई, या उसी को ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल जिसे कहा जाता है मुहावरा अंग्रेजी का, या उसी तरह का हमारे साथ किया गया है। इसके लिए हम और क्यों कर रहे हैं ये आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं और मैं चाहूंगा कि आप इसको पढ़ लीजिएगा साथ साथ, लेकिन मोटे तौर पे मैं बता देता हूं कि हमने तीन पक्ष ही इसमें ज्यादा विचार करने हैं कि जो भी पाठ्यक्रम है वो अप्लाइड, रेलिवेंट और यूजफुल है इन द प्रेजेंट डे इमर्जिंग एकेडमिक सिनेरियो, और दूसरा इसका जो विशेष पक्ष है वो है डज इट प्रोवाइड ए कॉन्टेक्स्ट इन विच टेक्स्ट आर टू बी टॉट। उसका मतलब ये है कि अगर आप गीता पढ़ाते हैं, अगर आप शाकुंतल पढ़ाते हैं, अगर आप बाणभट्ट पढ़ाते हैं, तो उसका संदर्भ क्या होगा,
या वो केवल हमने अनुवाद के लिए ही पढ़ाना है कि भाई देखो उसमें आप ये श्लोक दिए हुए हैं, इन श्लोकों का आप चार में से दो श्लोकों का अर्थ करते हैं, या उसके आधार पर हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट है वो पूरी के पूरे सामाजिक संस्थाएं जो हैं या सामाजिक परिस्थितियां हैं उनका मूल्यांकन करना सीखे। तो कॉन्टेक्स्ट का ये मतलब है कि अगर आप शाकुंतल पढ़ा रहे हैं तो कम से कम शाकुंतल के आधार पर आप कोई गवर्नमेंट को पॉलिसी बना के दे सकते हैं, या शाकुंतल के आधार पे आप समाज व्यवस्था का मूल्यांकन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आदि आदि। विस्तार में हम इन विषयों पे फिर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी केवल समझने के लिए बात है। दूसरा जो इसमें पक्ष है जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वो है कि ये जो सिलेबसेस हैं किसी भी इशू को थ्योराइज करते हैं और स्पेस प्रैक्टिकल्स के लिए को प्रोवाइड करते हैं कि नहीं। कि जैसे कि आपसे मैं कहूं कि अगर हम व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो क्या व्याकरण के जो एल्गोरिदम्स हैं, पाणिनी जिसको हम कहते हैं कि फर्स्ट कंप्यूटेशनल मैन, तो क्या उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भाई हम एल्गोरिदम्स के रूप में हम इनको पढ़ाएंगे, या व्याकरण को केवल रूप सिद्धि तक ही रखेंगे? क्योंकि आप एल्गोरिदम्स पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से कंप्यूटेशनल संस्कृत, और कंप्यूटेशनल संस्कृत से आप जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वहां तक जा सकते हैं। जैसा कि मेरे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण कई सारे हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी JNU के निकले हुए लोग हैं, और कोई गूगल में है, कोई माइक्रोसॉफ्ट में है, और कोई ट्रांसलेशन जो CFL है उनमें लगे हुए हैं, और संस्कृत के ही लोग हैं। और हमारे विद्यार्थी हरियाणा के कहां जा रहे हैं ये किसी को कोई अनुमान नहीं है। तो इस तरह के ये सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए हमने ये चर्चा आयोजित की है। और दूसरा कि जब BOS आप सिलेबस डिसाइड करता है आप वहां बैठ करके, तो क्या वो दूसरों के प्रति अकाउंटेबल है या नहीं है, जो लोग इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनके प्रति अकाउंटेबिलिटी उनकी क्या है, क्या उनसे कोई सुझाव लिए या नहीं लिए, या कोई सर्वेक्षण किया या नहीं किया। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये विषय चुना है। और ये तो संस्कृत की परंपरा है, जैसा कि आप नीचे के दो तीन वाक्य देख सकते हैं, किताबात छेदात निक्षात ग्राह्यम मद्वचन नतु गौरवात, कि BOS है इसलिए केवल उनके बातों को हमें ग्रहण कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। केवल उनके गौरव के कारण हम उनको स्वीकार कर लें ये नहीं। हाँ, उनको उनकी कही हुई बातों को हम तपाएं, उनका मूल्यांकन करें, उनका छेदन करें, उनको देखें कि भी वो मूल्यांकन के रूप में कहाँ खड़े होते हैं, फिर उसको स्वीकार करें। तो कुल मिलाकर के एक प्रश्न मैं दोबारा स्पेसिफाई कर देता हूं कि व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर डू वी वांट, वयम संस्कृतानुरागिणा स्वात्मार्थे कीदृग विधम भावी जीवनोत्कर्षयाम भावनी जीवनोत्कर्षणम कर्षम भावयामः। तो ये मुख्य प्रश्न है कि हम भविष्य कैसा चाह रहे हैं। तो बाकी आप मैं अभी छोड़ रहा हूं, क्योंकि ये सिलेबस ही डिसाइड करेगा कि हमारा भविष्य क्या होने जा रहा है। ये वो पत्र है जो बोर्ड ऑफ स्टडीज की मीटिंग से पहले जो है हमने माननीय कुलपति कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को लिखा था, और इसमें उनसे उनके माध्यम से BOS से हमने कुछ सूचनाएं मांगी थी कि आप हमें ये सूचनाएं प्रदान करें जो मैंने आपको पहले बता दी हैं, कि क्या कोई अकादमिक सर्वेक्षण किया गया या किसी से चर्चा की गई या कुछ ऐसा ध्यान दिया गया कि जिससे कि ये संस्कृत का जो शास्त्र है ये बड़ा रेलेवेंट होगा और उपयोगी होगा, आदि आदि, या कैसे अपने आप को ये रिलेट करेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जहां पर संस्कृत के लिए इतने सारे जो हैं वो उन्होंने ऑप्शंस दे दिए हैं। अभी तक इसका जवाब नहीं आया है। इतना मुझे मालूम है कि वो VC ऑफिस से डिपार्टमेंट को मार्क कर दिया गया है, लेकिन डिपार्टमेंट की ओर से अभी कोई उत्तर नहीं आया। और अभी जल्दी ही इसके बाद मैं दोबारा एक रिमाइंडर भी डालूंगा, और नहीं होगा तो फिर उसके बाद RTI में ये सवाल जवाब हम लोग करेंगे। ये तकलीफ, ये दुख, ये किस लिए है पीड़ा? क्योंकि हमारे जो छात्र हैं जिनको हम पढ़ा रहे हैं उनकी जो कॉम्पिटेंस है आज की मार्केट में उसको आप प्रश्न लेकर के, और जो उनसे अपेक्षाएं हैं, उन दोनों के बीच में इस संस्कृत के सिलेबस को हमें मूल्यांकित करना है। और हमें ये देखना है कि क्या हमारे और छात्र स्वयं आकर्षित हो रहे हैं अधिक संख्या में, अधिक मात्रा में, जैसे अंग्रेजी और हिंदी की ओर हो रहे हैं, और जो हम पढ़ा रहे हैं उसका जो अप्लाइड
यूज है वो कहीं पर है या नहीं है, और उसकी जो जो बच्चा पढ़ के निकलता है उसकी मार्केट डिमांड असल में क्या है। तो कुल मिलाकर के ये एक इशू है। और इसी तरह से आप अगर देखें तो इस सारे सिलेबस को, इस सारे पाठ्यक्रम को मूल्यांकित करने के 18 हमने आधार निकाले हैं। और इसमें आप देख सकते हैं, केवल आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ जो मुख्य रूप से दो चीजें आपको ध्यान में रखने वाली हैं वो है कि जो संस्कृत का सिलेबस पढ़ करके निकलेगा पाठ्यक्रम, आधुनिक पाठ्यक्रम, वो क्या छात्रों को आजीविका प्राप्ति के लिए समर्थ बनाएगा और उसको आत्मशंसिता का भाव उसमें जागरूक करेगा। आत्मशंसिता का अभिप्राय है सेल्फ एस्टीम। तो ये मुख्य दो लक्ष्य हैं जिनको आप 18 आगे के भागों में देख सकते हैं। तो ये मूल्यांकन करने के हमारे आधार हैं। इसको मैं छोड़ देता हूं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि संस्कृत के पाठ्यक्रम से हमारी ये अपेक्षा है कि उससे डेवलपमेंट और निश्रेयस, अभ्युदय और निश्रेयस, ये प्राप्त होते हैं कि नहीं होते हैं, ये मुख्य लक्ष्य हैं इनके। और वो किस लिए? ताकि हर जगह पर एकेडमिक कल्चर, सेंसिबल पर्सनैलिटी और सोसाइटल वेलबींग हो। अब आप हम सीधे विषय के ऊपर आ जाते हैं। ये तो पृष्ठभूमि थी कि जिन आधारों पर हमने ये सारा मूल्यांकन करना है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अधीन जो कोर्सेज हैं वो क्या है? कोर कोर्स है, जो कि दो तरह का है। एक है मेजर कोर कोर्स जिसे MCC कहा जाता है, जिसमें दो दो पेपर हैं, चार चार क्रेडिट के। चार क्रेडिट का मतलब है कि एक एक घंटे का पीरियड होगा और उसके आधार पर वो क्रेडिट कहा जाता है। और माइनर कोर्स जो है, जिसे आप पहले कंपलसरी कहा करते थे, उसे अब माइनर कहा जाता है। और जो मेजर है उसे आप यूं समझ लीजिए कि जो इलेक्टिव कोर्सेस आप पढ़ाते थे वो मेजर कोर्स है। और माइनर कोर्स जो है वो दो क्रेडिट का है, यानी कि एक वीक में उसके दो पीरियड होंगे, और मेजर कोर्स में चार क्रेडिट हैं, और अगर दो पेपर हैं तो ये 8 क्रेडिट होने चाहिए, 8 पीरियड होने चाहिए। इसके बाद हमारे पास संभावना है वैल्यू एडेड कोर्सेज की। जो वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं, जिसमें सामान्य रूप से हम ये मान लेते हैं कि केवल एथिक्स, रिलीजियोसिटी और इस तरह की बातें हम उनको पढ़ा दें और अच्छे इंसान, जबकि वैल्यू एडेड जो है मुझे लगता है जो है वो हमारे यहाँ पर पक्ष नहीं है। उस तरह से नैतिकता शब्द नहीं प्रयोग होता, धर्म शब्द ही प्रयोग होता है। फिर इसके अलावा एबिलिटी एनहांसमेंट के कोर्सेज हैं, ये भी हमें संस्कृत में करने चाहिए। केवल संस्कृत संभाषण से काम चल जाएगा, इससे तो कोई एबिलिटी एनहांसमेंट, वो भाषा के ऊपर अधिकार होना अलग बात है, लेकिन भाषा का उपयोग आगे चलकर मार्केट में कहाँ करेंगे ये हमें सोचना होगा। इस हिसाब से हमें कोर्सेज देखने हैं। उसके बाद जो अगला हमारे पास उपलब्ध है वो है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। ये वो बच्चे कोर्स पढ़ेंगे जैसे साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, और वो अपने मेन सब्जेक्ट के अतिरिक्त कोई और कोर्स पढ़ना चाहते हैं संस्कृत का, तो वो ये मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स होगा और उसमें 3 क्रेडिट हैं, यानी कि 3 पीरियड। इसके अलावा डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स जो कि ऑनर्स के लिए है, ये वो है जिसमें फिर वही 4 क्रेडिट रहेंगे। और स्किल एनहांसमेंट में और वोकेशनल कोर्स में, क्योंकि हम संस्कृत को हमने वैसे विकसित ही नहीं कुछ किया, तो इसलिए वो आपके लिए नहीं रखे गए। लेकिन हम अगर कुछ बनाए ऐसा स्किल एनहांसमेंट वाला, तो निश्चित रूप से उसमें हम अपना कोर्स बना करके दे सकते हैं और उसमें हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये स्ट्रक्चर है, कृपया ध्यान रखिएगा, ये केवल एक स्ट्रक्चर की मैं अभी बात कर रहा हूं, कोर्स कंटेंट की अभी मैंने बात नहीं की। तो ये कोर्स कंटेंट है, ये जो कि मुझे प्रिंसिपल के द्वारा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड करके दिया गया है, ये वो सारा कोर्स है। इसमें वैल्यू एडेड कोर्सेज में आप ये देखिए, जो संस्कृत का वैल्यू एडेड कोर्स है, अलग अलग विषयों ने अलग अलग किया है, और मुझे सबसे ज्यादा जो प्रसन्नता हुई है वो फिजिकल एजुकेशन वालों से हुई है, क्योंकि उन्होंने उसमें जो है योग और मेडिटेशन उसको एडअप कर लिया है। तो मुझे नहीं पता कि हमारी तरफ कितने बच्चे आ पाएंगे जो हम लोगों ने बीच में लगाए, बट एनीवे, तो वैल्यू एडेड कोर्स में आप देखिए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, पंचकोश, सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास। अब इसका जो अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखें
तो व्यक्तित्व शब्द से पहले आपको मानवीय व्यवहार का पता होना चाहिए और मानवीय व्यवहार में कौन सा जो है विकृतियां होती हैं, कौन सा नहीं होता। जबकि संस्कृत शास्त्रों में 5,835 प्रकार के मानवीय व्यवहार हैं, उसके आधार पर आप व्यक्तित्व विकास करेंगे। और व्यक्तित्व विकास करने से पूर्व आपको व्यक्तित्व के दोषों का तो पता हो, उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे, वो कहीं सिलेबस में मैंने अभी नहीं देखा, तो वो उसमें एडअप करना चाहिए। फिर प्रारंभिक संस्कृत भाषा, ये वैल्यू एडेड कोर्स, प्रारंभिक भाषा का ज्ञान, और फिर संस्कृत साहित्य में नाट्य और रंगमंच, भारतीय ज्ञान परंपरा एवं पद्धति। लेकिन इनका कॉन्टेक्स्ट क्या है, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि अगर ये अप्लाइड नहीं है, अगर इसको लेकर के व्यक्ति कुछ जीवन में कर नहीं सकता, तो उसका कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला। और इनको थ्योराइज कैसे करना है, ये भी एक इशू है। उसके साथ आप ये देखिए एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, ये इसमें क्या है, केवल और केवल संस्कृत भाषा एवं संप्रेषण रखा गया है। भाई इसमें कंप्यूटर्स क्यों नहीं लगाए गए, कंप्यूटर्स जिसकी सबसे ज्यादा इस वक्त जरूरत है, और दोनों तरह से है, संस्कृत फॉर कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर्स फॉर संस्कृत, दोनों तरह से लगाना चाहिए था, जिससे कि एबिलिटी एनहांसमेंट होती और बच्चे जो हैं कल को अपना कुछ ना कुछ उद्यम कर सकते। जैसा कि हमारे साथ अभी जुड़े तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर साईनाथ शानभाग कर्नाटक में है, संस्कृत शास्त्र के आधार पर उन्होंने सारी प्रोग्रामिंग और अपने कंपनी चला रहे हैं, संस्कृत सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहे हैं संस्कृत शास्त्रों के आधार पर, कर्नाटक में वहां पर उपलब्ध है। और इस केवल संस्कृत भाषा और संप्रेषण करके क्या करेंगे, इसमें क्या कंप्यूटर्स लगाए, नहीं लगाए। जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत विरोध के बावजूद उन्होंने वो कंप्यूटर्स लगाए और अच्छी संख्या में विद्यार्थी उसमें आ रहे हैं, और JNU में तो शुरू में है ही है, और तिरुपति यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने लगा रखे हैं। तो मुझे नहीं पता कि BOS ने ये सारी चीजें ध्यान में दी या नहीं दी। ये तो चलिए वैल्यू एडेड और एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है। अब हम मुख्य कोर्स की ओर आ जाते हैं। ये हमने पढ़ाने हैं जो सामान्य रूप से हम पढ़ाते आ रहे हैं। आप ये देखिए कि यहाँ पर MCC 1, MCC 2, ये दो दे रखे हैं। इसका मतलब है कि आपको कुल क्रेडिट 8 कोर्सेस 8 का मिलेगा। और इसमें अब जो सोचने वाली और देखने वाली बात है कि यही चीजें ऑनर्स में और इलेक्टिव में पहले लगी हुई थी और वही उठा करके यहाँ पे लगा दी, तो नया क्या हुआ। अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो कंटेंट की बात कर रहा हूँ, अभी तक तो मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा था कि जो हमने स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, BOS ने जो स्ट्रक्चर डिजाइन किया NEP के अंदर, वो ठीक है, जो उन्होंने फॉर्मेट दे दिया, लेकिन उस फॉर्मेट के अंदर जो जान डालनी थी, जो कंटेंट डालना था, ये तो वही का वही डाल दिया। ये बिल्कुल वैसी ही स्थिति हो गई जैसे 1996 में एक मौका था संस्कृत के लोगों के पास कि वो लोग जो हैं एक नया सिलेबस बनाते, लेकिन रातों रात किया क्या, बीच में लाइन लगाई और कहा कि ये नए सिलेबस बन गए और देखो अब जो है हम सेमेस्टर के हिसाब से पढ़ेंगे। ये तब भी धोखा संस्कृत संस्कृतज्ञों के साथ और संस्कृत छात्रों के साथ किया गया था, और हमें ये सावधान रहना पड़ेगा कि ये अब ऐसा कम से कम हम लोग ना करें। जो हम कर चुके थे, कम से कम नए सिरे से हम दूसरी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस को देखते, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस को देखें, हम JNU के सिलेबस को देखें और तदनुकूल उस हिसाब से हम प्रयोग करें। जैसे उन्होंने प्रैक्टिकल लगा रखा है, वहां पे बॉटनी लगा रखी है संस्कृत शास्त्रों के आधार पे, और कई ऐसे विषय लगा रखे हैं जो कि नितांत प्रैक्टिकल है, थ्योरी भी है प्रैक्टिकल भी है, और बच्चा कल को जाकर के अपना एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में कोई ना कोई उद्यम शुरू कर सकता है। चलिए ये तो आपका MCC हो गया, मेजर कोर कोर्स। MDC जो कि मैं पहले बात कराया था, उसमें केवल संस्कृत संभाषण लगा हुआ है, और ये CCMI ये है आपका माइनर कोर्स, कोर कोर्स है लेकिन माइनर, जिसे माइनर कहते हैं। उसमें फिर क्या लगाया हुआ है, वही जो कंपलसरी में चीजें होती थी, श्रीमद् भगवत गीता, स्वस्थवृत्त, छंद शास्त्र, कोई कॉन्टेक्स्ट ऐसा नहीं दिया गया जिससे कि भगवत गीता उपयोगी हो। भगवत गीता पढ़ के क्या वो क्या करेगा, कुछ तो उसको करना है, उसका वो साधन है, वो उसका साध्य इस वक्त नहीं है, साध्य होगा बाद में जब गीता समझ में आ जाएगी। अभी तो गीता या स्वस्थवृत्त या छंद शास्त्र उसका साधन है, और उस साधन से वो आगे चलकर के क्या करे, ये हमारे विचार की बात है। इसी तरह ये जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है, इसमें
ये सारे जो विषय हैं ये ऑनर्स में पहले ही लगे हुए थे, पिछले 50 साल से लगे हुए थे। मैं जब नहीं पढ़ाता था, नौकरी में नहीं था, उससे पहले के ये लगे हुए हैं, ये वैसे के वैसे लग गए, और नाम इनको हम कह रहे हैं कि ये नए हमने कोर्सेस लगा दिए। और ये जो मल्टीडिसिप्लिनरी है MDC2, ये योगासन और ध्यान, ये मैंने कहा है कि ये तो ले गए हैं वो लोग फिजिकल एजुकेशन वाले, और मुझे नहीं पता संस्कृत के माध्यम से पढ़ने के लिए कौन विद्यार्थी आएगा, जबकि 30 स्टूडेंट्स की जो है वो मिनिमम लिमिटेशन है। अगर 30 स्टूडेंट हो गए तो ये कोर्स चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। और जो फिजिकल एजुकेशन वाले हैं उन्होंने अपनी व्यवस्था कर ली हुई है। और इसी तरह से ये बाकी सारे कोर्स हैं, संस्कृत चयनिका जो पहले भी हम पढ़ा रहे थे BSc में और कंपलसरी में, ये सारे के सारे वही हैं। तो ये आपके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का है, ये फर्स्ट सेमेस्टर है और ये सेकंड सेमेस्टर है। तो ये कुल मिलाकर के है, बाकी सारे भी मैंने दे रखे हैं, तो उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है, अभी तो हम इस पे फोकस कर लें। लेकिन अगर आपने बाकी सारा सिलेबस पढ़ा हुआ है तो चर्चा करने में आपको सुविधा होगी। तो अगले 2 मिनट लेकर के मैं आप लोगों को, मैं सबसे पहले डॉक्टर विनय सिंघल जी को आमंत्रित करूंगा, क्योंकि वो निरंतर संघर्ष कर रहे हैं अपने आप को और संस्कृत को अपने कॉलेज में जिस तरह से उन्होंने सुस्थापित और सुप्रतिष्ठित किया है, उसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। बाकी सब लोगों से भी चर्चा कर रही हैं, नहीं तो इतना कष्ट कौन उठाता है। हर कोई जो है वो भी आराम से नौकरी कर सकती है कि भी ठीक है जो होगा देखा जाएगा, नौकरी से तो कोई नहीं निकाल रहा, 4 आए 10 आए ना आए क्या फर्क पड़ता है। तो बचाव का वो नहीं है, ये उनके संघर्ष करने में जो एक उनकी क्षमता है उसको मैं हमेशा साधुवाद भी देता हूँ और प्रशंसा करता हूँ। तो अगले 2-3 मिनट में मैं आप लोगों को एक बात करके फिर उनको आमंत्रित कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद आप में से जो जो अपनी बात कहना चाहता है, हमें सुझाव देना चाहता है, क्रिटिसिज्म करना चाहता है, जो भी है। देखिए, हम लोगों ने एक सर्वे किया था, और ये सर्वे अब थोड़ा पुराना हो चुका है, लेकिन 1,525 लोगों के ये रिस्पॉन्सेज हमने ऑनलाइन लिए थे ड्यूरिंग कोविड। अब तो ये बहुत ज्यादा संख्या में हो चुके हैं, लेकिन ये पुराना है। लेकिन इसमें विभिन्न स्टेट्स के लोगों को आप देखिए कि हमने इतनी स्टेट्स कवर की हैं, और ये 1,525 लोगों के रिस्पॉन्सेस हैं। हमने सबसे पहला प्रश्न उनसे क्या पूछा था, क्या आप संस्कृत के प्रचलित पाठ्यक्रम से असंतुष्ट हैं, कि आपको लगता है कि ये आपको संतुष्ट नहीं करता। तो 71% लोगों का ये उत्तर है कि वो असंतुष्ट हैं। लेकिन ऐसा क्या BOS ने, संस्कृत डिपार्टमेंट ने ऐसा कोई सर्वेक्षण किया? आप नवीनीकरण चाहते हैं, 90% लोग चाहते थे नवीनीकरण, और नवीनीकरण के नाम पर क्या किया आप देख लीजिए। आप क्या संस्कृत का प्रचलित पाठ्यक्रम बाजार की अपेक्षाओं के अनुकूल है आप ये देख लीजिए। मैं इनमें ज्यादा नहीं जा रहा, केवल आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं जो बातें आपसे साझा कर रहा हूं वो सारी की सारी 1,525 लोगों के आधार पर आप लोगों के साथ साझी कर रहा हूं। इसमें मैंने अपनी कोई ओपिनियन नहीं दे रखी है। आपका पाठ्यक्रम आधुनिक समस्याएं समझने एवं सुलझाने में किसी प्रकार सहायक है? तो इस तरह के प्रश्नों के आधार पर हमने ये सारे का सारा जो है एक तरह से सिलेबस बनाया था, उसको हमने यूनिवर्सिटी को भी भेजा और लोगों से भी चर्चा की, उसके ऊपर वर्कशॉप भी की, और इस तरह से हमने ये सारा का सारा काम किया था। और इसमें सारा कंप्यूटर भी था, ताकि कल को जाकर के बच्चा जो है वो कंप्यूटेशनल संस्कृत में माहिर हो सके, वो उन प्राइवेट फर्म्स में जाके उन जॉब्स को भी ले सके, उसके ऊपर क्लेम कर सके, और उसके लिए नए नए एवेन्यूज ओपन हो सके। तो इस तरह से ये सारे का सारा जो है वो हमने प्रपोजल दिया था। लेकिन ये कोई दुख की बात नहीं है कि हमारे प्रपोजल को स्वीकार नहीं किया, ये कोई अर्थ नहीं रखता। लेकिन अर्थ ये रखता है कि जो BOS के द्वारा किया गया, क्या वो नवीन है, क्या वो उपयोगितापूर्ण है, क्या वो किसी भी अर्थ में अप्लाइड है या नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो इसी सारी बात पे चर्चा करने के लिए मैं चाहूंगा कि सबसे पहले डॉक्टर विनय सिंघल जो हैं वो अपनी बात हमारे साथ साझे करें, फिर उसके बाद डॉक्टर प्रदीप जी जो जो क्रिटिकल थिंकिंग का पढ़ा रहे हैं कोर्स संस्कृत शास्त्रों के आधार पे, मैं उनको आमंत्रित करूंगा। मैडम विनय, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। जी सर नमस्कार, और इतना बड़ा मंच देने के लिए मैं आपका
से धन्यवाद करती हूँ, शायद नमन करती हूँ सब कुछ, क्योंकि अपने आपके साथ मैं बहुत समय से जुड़ी हूँ। शायद मैं स्टूडेंट थी, एमए कर रही थी, जब से आपको गुरु रूप में ही हमेशा नमन किया है मैंने, और अब भी ये मंच आपके द्वारा ही मुझे प्रदान किया गया। और हम लोग, आप जो संघर्ष कर रहे हैं, शायद बहुत लंबा समय हो गया है, और इस संघर्ष का क्या परिणाम निकला ये आपने कभी चिंता नहीं की। अब जो कष्ट का समय था, वो कष्ट की जो बात रही वो यही थी कि संस्कृत को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला था कि हम निकालें अपने आप को, क्योंकि आज तक जो भी संगोष्ठी, लगभग 30 वर्ष पूर्व मैंने एमए की थी, 32 वर्ष को, और तब से लेकर के जो आज तक संगोष्ठियां चलती थी वो इसी के लिए चलती थी कि देखो जो पाठ्यक्रम है वो बड़ा पुराना है, इसमें से बच्चों को कोई रोजगार मिलने की संभावनाएं नहीं है, और हम लोगों ने भी बड़ा रोजगार प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया था कि जब कभी सिलेबस चेंज करने का समय आएगा तो शायद हम बहुत बड़ा मौका हमें मिलेगा। लेकिन हमें मौका मिला है, लेकिन शायद वो हम यूज नहीं कर पाए, और ऐसा नहीं है कि यूज ना कर सकेंगे, अगर हमारे पास संभावनाएं होंगी तो हम इसके अमेंडमेंट करने के लिए भी तैयार रहें, या अमेंडमेंट करने के लिए कुछ अवसर हमें मिले, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम लोग कहते रहे कि संस्कृत कोई विषय नहीं है, जो हमें हमें दिया गया है पाठ्यक्रम में वो एक लैंग्वेज के रूप में दे दिया गया, जबकि अगर अगर एक आज का सारा सामान देखें हम, आज का हम जितना साइंसेस देखें, जितना मैथमेटिक्स देखें, जितना हम साइकोलॉजी है, गुड गवर्नेंस है, ह्यूमन जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो जो भी चीजें हमारे पास हैं, वो सारी की सारी अगर अंग्रेजी में है, तो ये सभी चीजें बहुत समय पहले ये हमारे पास संस्कृत में थी। तो अब कैसे लोगों को विश्वास दिलाएं कि संस्कृत में थी? तो हमें करना क्या चाहिए था कि हमें 4 या 5 पार्ट्स बना देने चाहिए थे, जिसमें हम फिक्शंस यानी साहित्य का एक पार्ट रखते, साइंस और मैथ्स का रखते, पॉलिटिकल साइंस को बीच में लेते, हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी को लेते, मॉरल वैल्यूज और एथिकल वैल्यूज को इकट्ठा करते, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के स्वरूप में गीता को पढ़ाते, प्राचीन गायन परंपरा के रूप में हम वेद को रखते, ताकि लोगों के सामने समझ तो आता। जो हम लोग कभी अपने प्रेप में छोटे छोटे चैप्टर्स का एक समूह पढ़ा करते थे, किताब पढ़ा करते थे, उस तरह से कुछ इन चीजों को लागू करना चाहिए था। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी क्यों इतनी उतावली हो गई जब 2030 तक इसे लागू करने का हमें समय दिया गया था, तो क्या हुआ कि प्रथम आने के स्थान पे, प्रथम दौड़ में प्रथम आने के लिए हम मार्ग ही भूल गए, या हमें कुछ नया नहीं कर पाए, या हमारे ऊपर ये जो बोर्ड ऑफ स्टडीज है उसके ऊपर इतनी जल्दी सब कुछ थोप दिया गया कि तुम आज ही इसको सिलेबस को करके बना के दो हमें, तो ये हमें मौका लिया नहीं गया, या हमने प्राप्त नहीं किया, या जो भी हुआ है, तो क्या इसे परिवर्तन की संभावनाएं हैं? क्योंकि हम जो सिलेबस पढ़ रहे हैं उसमें विद्यार्थी रुचि ही नहीं लेता कि शब्द रूप क्या याद करें, क्या धातु रूप तक, शब्द रूप तक, या श्लोकों की हिंदी करने तक संस्कृत सीमित रह गई है। जबकि 1985 में भी नासा के एक साइंटिस्ट जो रिक ब्रिक्स थे, उन्होंने अब अपना एक इशू निकाला, अपने एक रिसर्च पेपर निकाला, नॉलेज रिकमेंडेशन इन संस्कृत एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के एक वैल्यू एडेड कोर्स या MTC या इस इवन संस्कृत के पाठ्यक्रम में इस कंप्यूटेशनल संस्कृत को क्यों नहीं जोड़ पाए, या हमने विमान शास्त्र को क्यों नहीं जोड़ा, या हमने चाणक्य नीति को, विदुर नीति को पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के रूप में क्यों नहीं जोड़ा? हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनके सब्जेक्ट में हम घुसे, हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास है उसके छोटे छोटे चैप्टर्स का, जैसे टोकरा से तो उसने बहुत कुछ बनाया हुआ है, अपने पास उनका एक भंडार है विशेष, जिसपे उन्होंने इतना काम किया है ह्यूमन राइट्स पे और मनोविज्ञान पे, कि उस सब चीजों को छोटा छोटा रूप में उनको एक हम क्या कह सकते हैं कि ऑप्शन दे करके, बच्चों को 4 ग्रुप बना करके, ये ऑप्शंस दे करके भी हम उसको सिलेबस को दे सकते थे। तो ऐसा थोड़ा सा कष्ट ये इसके अंदर है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, और भी चलो अब लागू करें, और क्या इसमें अमेंडमेंट्स की संभावनाएं हैं, और हमें कहाँ से कैसे हम इन चीजों को लागू करें, इस चीज के लिए भी बहुत ज्यादा हम लोग चाहेंगे कि बोर्ड ऑफ स्टडी सभी संस्कृत वालों को इकट्ठा करके, क्योंकि इस समय जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है, और अभी तक भी हम लोग संघर्ष ही कर रहे थे कि कुछ एक बच्चे जोड़ें अपने साथ,
उनको बताएं कि संस्कृत में कितना ज्ञान है। हम छोटे 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 कार्यक्रम करवाते हैं कि पीपीटीज करवा ली साइंस संस्कृत करके, ताकि बच्चों को ज्ञान मिले। और इस समय हमारे पास एक बहुत बड़ा अवसर था कि हम वैल्यू एडेड में साइंसेज इन संस्कृत का एक छोटा सा कोर्स डालते, छोटा सा एक चैप्टर सी डालते, ताकि हम जिसे बीएससी वगैरह में लागू कर सकते। परंतु यज्ञ कर्म कांड आज फिर वही संस्कृत की जो पुरानी इमेज थी उसी रूप में फिर हम उसी तरह से प्रस्तुत हो गए। तो ऐसा लगता है कि जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस कोड लैंग्वेज को अभी मैं एक बार एक लेक्चर सुन रही थी कि जावा पाइथन या सी प्लस, इनके पास केवल 150 वर्ड्स हैं और इसी में सारी भाषाएं सिमट जाती हैं। और जब संस्कृत की तरफ देखा गया तो इसमें 4,000 शब्दों का विशाल समूह, 4,000 सूत्रों का है, जिसमें कि हम हजारों पाइथन, मतलब पाइथन से बड़ा वास्ट एक कार्य कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जेएनयू से ये कोर्सेज लर्न करके बहुत कुछ सीखा है। अभी तो हम जैसे टीचर्स इससे में पीछे छूटे हुए हैं, तो हमें भी मौका मिलता अपनी भाषा को समृद्ध करने का। तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ हमारे से छूट जाएगा अगर हमने इसमें बहुत कुछ अमेंडमेंट ना की तो। क्योंकि अगली जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हम किस रूप में विद्यार्थियों को कहेंगे कि तुम संस्कृत लो केवल श्लोक याद करने के लिए, या केवल धातु रूप याद करने के लिए, केवल ये साहित्य को पढ़ने के लिए संस्कृत लें? ऐसा कोई विद्यार्थी आगे आने वाला नहीं है, क्योंकि आजकल सभी चाहते हैं कि जो भी पढ़े उससे धन अर्जित भी हो। ठीक है, सा विद्या अर्थदायिनी विद्या, वो विद्या जो है हमें ज्ञान के साथ साथ धन देने वाली भी हो, मुक्ति देने वाली हो, वो तो सभी कहते हैं सा विद्या या विमुक्ति है। लेकिन मुक्ति से पहले भुक्ति भी जरूरत है, भोग की भी जरूरत है, और उस धन संपादन के लिए भी हम इसमें अवसर खोजें। और हमारे पास बहुत अवसर हैं, बहुत सारे हमारे पास चीजें हैं संस्कृत में, इतना इतना कुछ पड़ा हुआ है। और मैं अभी दिल्ली में थी तो एक आईआईटी के प्रोफेसर थे, वो एक आयुर्वेद के टीचर के साथ मिल करके कुछ एक बूटियों पे काम कर रहे हैं कि इनमें कुछ कुछ रिसर्चेज होने की संभावना है। तो ये हम बच्चों को क्यों नहीं अब लगा रहे हैं, इस चीजों को हम क्यों नहीं खोल रहे हैं, जबकि अनेक देशों में इन विषयों को खोज किए हमारे संस्कृत के पढ़ने वाले विद्यार्थी हमारे पास हैं। तो हम विज्ञान से संस्कृत में नहीं, तो विज्ञान से और मनोविज्ञान से या अनेक अनेक विषयों से उनसे क्यों दूर रख रहे हैं? केवल इतना सा कष्ट मेरे अंदर है, जिसके लिए मैंने हम लोगों ने चर्चा की थी और ये चर्चा रखी गई थी, और इतना मेरा विचार जरूर था ये बात करने के लिए। डॉक्टर से अनुमति जी ली। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। ओपन हाउस डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको दो पुस्तकें दिखाना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये है मशीन अनुवाद। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो संस्कृत विषय है बीए लेवल पे, ये उसमें लगी हुई है, कंप्यूटेशनल संस्कृत। और ये दूसरी पुस्तक है जो संस्कृत के अध्यापक वहाँ पढ़ा रहे हैं बीए लेवल पर, और प्रैक्टिकल भी करते हैं और ये थ्योरी के रूप में भी पढ़ते हैं। और ये किसके आधार पर हैं? पाणिनि के और न्याय के ऊपर आश्रित हैं। तो हमारे बीओएस को, संस्कृत विभाग में जो बोर्ड ऑफ स्टडीज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का है, उसको क्या दिक्कत हुई कि वो इन चीजों को लागू ही ना करे, इनके बारे में चर्चा ही ना करे और वैसे का वैसे ही उठा कर लगा दे? ये बड़े दुख की बात है कि अगर नहीं है तो पूछने में जानने में कोई हर्ष नहीं है। तो ये एक बात मैं ऐड अप करना चाहता था। तो हमारे साथ इस वक्त आप में प्रदीप जी, आप जुड़े हुए हैं? नहीं, मेरा ख्याल वो जुट गए हैं। कुछ सर एक लोग डॉक्टर शैलेंद्र जुड़े हुए हैं, वो आईजी कॉलेज कैथल से हैं, जी, ठीक है। हम मैं उनके भी देख रहा था विचार सुन कि लेते। हाँ आचार्य शैलेंद्र जी हैं, जी ये आईजी कॉलेज कैथल के हैं प्रोफेसर, तो हम इनके विचार भी हाँ जी हाँ ले मैं लेते हैं। स्वागत लेकिन करती हूँ। पहले इंदु शर्मा जी और जी सुजाता, इन्होंने जी हाथ हैंड रेज किया हुआ है, तो यदि जी आप सर लोग कुछ कहना चाहते हैं संक्षेप में। सी के झा जी भी जुड़े थे, मुझे दिखे हाँ, थे। जी के झा जी, हाँ वो भी जुड़े थे बीच में, पता नहीं अब वो। चलिए खैर, आप लोगों के जी ऊपर है, आप में से जो कहना चाहता है अपनी बात
हमारे साथ डॉक्टर जयप्रकाश गुप्त जी, जो आयुर्वेद के ऊपर और संस्कृत के ऊपर इनका बहुत काम है। इंदु शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, तो आपसे बात शुरू कर लेते हैं। नहीं, चलिए, मैं सोचता हूँ कि डॉक्टर आर के गुप्ता जी से ही पहले हम निवेदन कर लेते हैं कि वो इसके ऊपर अपनी जो है एक टिप्पणी हमारे साथ साझा करें। अपने को अनम्यूट कर हेलो लीजिए। सर, नमो नमः। नमो नमः। हाँ जी इंदु सर जी मैं शर्मा बोल रही हूँ। जी हाँ सर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी बिल्कुल, और धन्यवाद की आवश्यकता नहीं, ये हमारा दायित्व तो है कि सभी संस्कृतज्ञ कुछ सोचेंगे बोलेंगे तभी आगे कुछ परिवर्तन होगा। हाँ सर जी, धन्यवाद सर। मूल रूप से मैं किसी व्यवसाय से जुड़ी नहीं हूँ, स्वाध्याय करती हूँ और लेखन कार्य करती हूँ। मैंने एमएड कर रखा है संस्कृत में और जी पूरा बहुत नाम मेरा अच्छा। इंदु शर्मा कांकर है। जी तो जी मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका टॉपिक मुझे अभी भी पता चला कि संस्कृत की चिंतन के विषय में चल रहा है, तो मैं व्यवहारिक पक्ष में बोलना चाहूंगी संस्कृत के लिए कि जी जो जी पुराना प्रारूप था वो वैदिक पद्धति थी और गुरुकुल पद्धति थी। वहां पर 12 वर्ष एक वेद पढ़ा जाता था। आज ये संभव नहीं है, और कि 4 वेद में हम इतना सारा वक्त लगाए और तब उसमें निष्णात हो। और वर्तमान में जो पद्धति है, सेमेस्टर सिस्टम है, उसमें संस्कृत चल रही है। वो जी संस्कृत कैसी चल रही है वो हम सबको पता है। उसमें बच्चे कितने निष्णात हो पाते हैं, उसमें मुझे अच्छा अनुभव हो गया जी है। मैंने आधुनिक और प्राचीन दोनों पढ़ा, तो उसमें जी मुझे लगता है कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना आवश्यक भी है कि हम उस भागते हुए युग से जुड़ सके और तकनीकी के अंदर हम बच्चों को संस्कृत निष्ठ भाषा का ज्ञान भी करा सके। जैसे कि यह है जी यूनिकोड वगैरह है, इसका बच्चे व्याकरण पद्धति से चलती है। अगर वो इसको लिखना सीख जाते हैं तो अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस नहीं करेंगे, और बल्कि अंग्रेजी लिखने वालों से वो आगे जाएंगे। अपने बिल्कुल पेपर टाइप करना और व्यावसायिक रूप से एक उनके लिए मुद्दा पैदा हो जाएगा। दूसरा, तकनीकी से जुड़ना तो बहुत जरूरी है। ज्योतिष जी जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, और नक्षत्र शास्त्र चल रहा है जिसमें हम सूर्य सिद्धांत पढ़ते हैं, वो बिल्कुल संस्कृत का ही है। जिसको नासा, सबसे बड़ा वैज्ञानिक नासा, उसे पढ़ा रहा है, उसी से समझ रहा है, उसी से वैदिक गणित से ही गणना कर जी सकता है। जी इससे हम संस्कृत की उपयोगिता तो समझ ही सकते हैं, है बिल्कुल ना। तो इसको लेकिन मॉडिफाई करने की थोड़ी सी मुझे जरूरत लगती है कि शायद ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल इसमें कुछ ऐसे हो जिसको हम बच्चे उपकरण को आसानी से उपयोग कर सके और अपनी भाषा को आगे बढ़ा सके। अपने खुद के YouTube पे जैसे भी जो ज्ञान है, और जो बच्चे सीखना भी चाहते हैं लेकिन उसके ऊपर अंग्रेजियत इतनी हावी है कि बच्चे या तो सीख नहीं जी पाते या मैम, मूल वर्णमाला ही नहीं जान पाते। और जो जी बच्चे छोटे हैं इस तरह से, वो विदेशी लेखकों के, विदेशी गुरुओं के, विदेशी साहित्यों के प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वो संस्कृत कैसे सीख सकते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता। उसमें बीजारोपण ही वही हो रहा है, तो उस जी बीजारोपण को करने के लिए उनको तकनीकी से जोड़ेंगे तो बच्चे आसानी से उसको सीख पाएंगे और उसका उपयोग कर पाएंगे। और जैसे आज योग के अंदर कितना बड़ा काम हो रहा है, अपनी नारी शोधन उसी से हो रहा है। आप क्या अंग्रेजी से नारी शोधन कर लेंगे, अपने चक्र जागृत कर लेंगे? नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते आप। उपकरण से विदेश ऊपर पहुंचोगे, लेकिन आप अगर मंत्र दृष्टा हैं और नारी शोधन करते तो आप अंतरिक्ष तक उसको संपर्क कर सकते हैं। ये ठीक संस्कृत में ही है, ये जी अंग्रेजी में नहीं है। और इसलिए अपने को अपने अस्तित्व बचा के रखना चाहिए और उसको प्रायोगिक रूप से भी क्रियान्वित करना चाहिए। बच्चों से, छोटे लेवल के बच्चों से कराना चाहिए इसको अवगत। वैसे आजकल नया मॉडर्न आया है, PPT वाला क्यों करके क्या है वो, 2020 की शिक्षा नीति, उसमें क्षेत्रीय भाषा का स्वीकारा गया है। ये बहुत अच्छी बात है, क्षेत्रीय भाषा स्वीकार, बच्चों को जो मैडम, बहुत संक्षेप में ही डिफॉल्ट रखें बात, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी बात रखनी है। हाँ, ये आपका सुझाव होता मान्य है। है। जी सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि इसमें अपन प्रायोगिक तकनीक को भी शामिल कर रहे हैं संस्कृत के अंदर, तो इसका विकास उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा और इसका अस्तित्व संस्कृत जानने वाला ही समझ सकता है, वही बचा सकता है। धन्यवाद, विनम्र आभार, नमो नमः। धन्यवाद जी। डॉक्टर रविंदर जी, धन्यवाद आशुतोष जी। हालांकि संस्कृत मेरा विषय नहीं रहा, अपनी बात मैं इस ढंग से कहना चाहूंगा कि संस्कृत जो है
वो भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। और जब आप अपने वक्तव्य में बात कर रहे थे ज्ञान परंपरा की और अन्य विषयों की, तो सर मेरा एक बात मानना है कि हमें दो तरीके हैं, क्या हम संस्कृत तक लोगों को लाएं या संस्कृत को लोगों तक पहुंचाएं। जी मेरा मानना है कि जो संस्कृत को हमें लोगों तक पहुंचाना है, और इसके लिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अप्रोच करनी पड़ेगी। जो जी मैं विनय जी ने मेरे पास भेजा था पूरा, और मैंने उसका स्टडी भी किया, तो उसमें मुझे एक बात लगी कि शायद हम लोगों तक नहीं पहुंचाने की बात हो रही है। जैसे विनय जी ने अपने बात कही, पॉलिटिकल साइंस का जिक्र किया, निश्चित रूप से जी मैं थोड़े से उदाहरण से बात खत्म करूंगा सर। जैसे आपने भी भेजा था, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, चाहे वो स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, चाहे वो एनवायरमेंट हो, चाहे गुड गवर्नेंस हो, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो, ये सारे विषय वर्तमान में जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं, जो जी आम विद्यार्थी, चाहे वो साइंस का है, चाहे वो कॉमर्स का है, चाहे वो मैनेजमेंट का है, आप यकीन मानिए कि बहुत से मैनेजमेंट के जो टॉप के वर्ल्ड लेवल के हैं, वहां पर मैनेजमेंट के सूत्र भगवद गीता में क्या है वो पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन मेरा जो अनुभव है, जी क्या हमारे यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं? निश्चित रूप से नहीं। क्योंकि इसमें मैं जो समझ पाया हूँ सर, एक चीज मेरा मानना है कि इस संस्कृत विषय को केवल संस्कृत के प्राध्यापकों तक सीमित ना किया जाए, बल्कि जी जी इसका विस्तार किया जाए। क्योंकि आज साइंस में भी हो रहा है काम, सभी में हो रहा है, तो क्यों नहीं हम इनको आधार बनाकर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर लिख कर दिया जाए, चाहे वो पुस्तक रूप में या कुछ आए, तो ये बहुत जरूरी है। जी क्योंकि मेरा और तो आपको मालूम है सर, और तो ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है। केवल थोड़ा बहुत मैं भगवद गीता के विद्यार्थी अवश्य हूँ, अब वो भी रिटायरमेंट के बाद। जी तो जी इन सब विषयों पर मैंने आपको पता कि थोड़ा बहुत काम भी किया है, तो लेकिन अवसर तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि रिटायर हो गया हूँ, कोई बुलाएगा नहीं। तो मैं कहता हूँ नहीं नहीं सर, मैं लेट मी, ऐसा अभी आप बात करें कोडी, बहुत अच्छी जी बात। मेरे को एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि मैं उनकी पीपीटी जब बनाने की कोशिश करता हूँ, मेरे को आती नहीं है, बनवाता हूँ, तो वो कहते सर आप इंग्लिश में तो बनवा लो हमसे, हिंदी और संस्कृत तो बिल्कुल नहीं बन सकती, श्लोक जी कैसे हम लिखें। तो यदि मैं चाहूं भी तो नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि संस्कृत को जो कंप्यूटर से जोड़कर सीखने वाले हैं वो है ही नहीं अवेलेबल, तो स्कोप बिना इसके आप कैसे करेंगे? तो एक तो मेरा यह मानना है कि सर संस्कृत क्या कंप्यूटराइजेशन या कंप्यूटर और संस्कृत को जोड़ना आज की हमारी अपरिहार्यता बन गई है, यदि जी हमने भारतीय संस्कृति को समझना है। और इसके लिए मैं तो ये कहता हूँ सर कि कोई ऐसा विषय नहीं है, और आपने भी देखा हो, मैं छोटी छोटी दो दो मिनट की डालता ही रहता हूँ, कितने बार क्लिपिंग भगवद गीता के संदर्भ में, वो केवल इसलिए डालता हूँ कि हम अपने ज्ञान परंपरा को तो समझें। जी और इसके लिए केवल संस्कृत के लोग ही, ऐसा नहीं है, हमें परसुवेयर करना पड़ेगा दूसरे लोगों को भी। जी और जी इसमें मैं विशेष रूप से सर एक निवेदन करूंगा आपसे कि विशेषकर जो सेवानिवृत्त हैं प्राध्यापक, उनको यदि जोड़ें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो लिख भी सकते हैं, उनके पास टाइम भी है। तो जी ये जो जितने अच्छा ये विषय ऐसे, जैसे आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट ले लीजिए, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट ले लीजिए, अब तो सर हॉस्पिटल बन गए हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के, वहां अच्छे खासे पैसे लेकर डॉक्टर बने हुए हैं लोग जो लेते हैं। क्या स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू भगवत गीता नहीं हम बता सकते बच्चों को, जी जी बिल्कुल इनके बिल्कुल आगे स्ट्रेस आए ना उनके लाइफ में? जी बिल्कुल वही है कि भी वो कॉन्टेक्स्ट बदलना पड़ेगा। हम कॉन्टेक्स्ट नहीं दे रहे कुछ भी, हम केवल उनको अनुवाद करने के लिए कह रहे हैं। यही तो दुख हो रहा है कि हाँ, भी मैं ये इसीलिए क्या कह रहा हुआ था कि भी कि 4 श्लोकों में से 2 का अनुवाद कर दो, इससे बच्चा क्या सीखेगा। जी बिल्कुल मैं ठीक वही कह रहा है हूँ कि जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है सर, अच्छा जी जैसे कि अभी एक दो हमारे साथी ने कहा, अब तो बहुत आसान हो गया सर कि आप थ्रू पीपीटी बनाकर हम सर्कुलेट कर सकते हैं, आपस में साझा कर सकते जी हैं। बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि आप या मैं हर एक कॉलेज में विजिट करें, जी हमने जी बना दिया,
उनको वहां समझा दिया, बता दिया, वहां के प्राध्यापक कोई भी हो वो उसको बता सकता है। जैसे बिल्कुल बिल्कुल। विमेन सेल है, सपोज ले लीजिए सर, आप भारतीय शास्त्रों में महिला की क्या स्थिति है आप बता सकते हैं। जी बिल्कुल अब बिल्कुल जल्द सर सर 2 मिनट लेकर बात अपनी खत्म करूंगा मैं। जी आज के संदर्भ में ही जो कुछ आजकल आप देख रहे हैं मणिपुर में महिलाओं के प्रति हिंसा, ये वो उस क्षेत्र, ये राजनीतिक मुद्दे अलग हैं। मेरा कहना है कि क्या हमें मालूम है कि भारतीय शास्त्रों में महिलाओं के प्रति क्या दृष्टिकोण है। जी यदि हम बच्चों को आज बताएंगे तो बड़े होकर वो समझेंगे, वो समस्या वहीं खत्म होगी। अब आप संस्कृति की, जब तक हम अपनी संस्कृति का परिचय नहीं कराएंगे विद्यार्थियों को जो एडोलेसेंट हैं, जो किशोरावस्था में है, तो युवा होकर वो क्या करेंगे? जी वो बिल्कुल तो ठीक। वही करेंगे जो हमने आज किशोरावस्था में उनको बताया। तो जी मेरा सर इतना ही निवेदन है कि संस्कृत को भाषा के रूप में ना लेकर संस्कृत को भारतीय संस्कृति की प्रतिनिधि भाषा के रूप में लिया जाए, जी और बिल्कुल उसके साथ साथ इंग्लिश में हो। आज बहुत सारी किताबें इंग्लिश में हैं, हिंदी में हैं, इंग्लिश में बल्कि ज्यादा हैं। हमें उनसे परहेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें वो तो लिखे हुए हैं ही ना सर श्लोक, तो हम उनका बिल्कुल वहां पर अनुवाद तो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर तो साहब इसलिए चाहे वो क्षेत्रीय भाषा में करें, लेकिन आधार तो हमारी संस्कृति रहेगी ना सर। तो बिल्कुल बिल्कुल इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मैंने उसमें देखा कि कोई भी किताब इंग्लिश मीडियम की नहीं है, जी जबकि भगवत गीता पर तो सैकड़ों किताबें हैं अलग हाँ अलग जी रूप से, जी जिनसे बिल्कुल आप हेल्प से बच्चों को हम आगे बता सकते हैं। हाँ बल्कि तो एक ये तक बस तो मैं एक कहना मिनट लेके खत्म कर रहा हूँ सर अपनी बात। जी अब जी जैसे मेरे को संस्कृत नहीं आती, हाँ मेरे को सुविधा क्या कि मेरे को इंग्लिश में आ सकती है, मेरे जी को हिंदी में आ सकती है, उर्दू में आ सकती है। अब यदि मैं इंग्लिश की किताब पढ़ के भारतीय संस्कृति का ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ तो अच्छी बात है, गलत थोड़ी ना है। तो बिल्कुल इस तरह बिल्कुल से मैं ये चाहता हूँ कि हम इसको मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टी लिंगुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी लें, और मुख्य जी रूप से संस्कृत की बजाय संस्कृति का माध्यम बनाएं, तभी वो जी भारतीय ज्ञान परंपरा। और हमें स्पेसिफिक भी होना पड़ेगा कि भाई जी कौन से शास्त्रों को लेना है, वरना उलझ कर रह जाएंगे हम। जी जी ठीक तो उस उलझाव है से बचने के लिए निर्धारित करें और उसमें हम मिलजुल कर सभी काम करें आपस में, तब तो शायद हम इस भारतीय ज्ञान परंपरा को और संस्कृत को और संस्कृति को आगे बढ़ा पाएंगे। जी सर धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और एक पक्ष जो आप बीच में छोड़ गए वो था कि भी कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और गीता का आपने जो काम किया है वो आपको जरूर बताना चाहिए था, ताकि संस्कृत के लोग वो सीख सकें कि गीता के माध्यम से आप कैसे व्याख्या करेंगे भारतीय सर वो अभी संविधान मेरा कार्य अधूरा है, इसलिए नहीं मैंने जिक्र किया, की। नहीं अभी उसके ऊपर लेकिन काम ये है, चल रहा है मेरा। लेकिन ये है कि लोगों को दिशा तो पता लगे संस्कृतज्ञों को कि हाँ गीता इसलिए पढ़ाओ क्योंकि भारतीय संविधान के सांस्कृतिक आधार स्थापित हो सकें, अच्छा, इसमें अन्यथा सर वो। जी अशुतोष इसमें एक और बता देता हूँ मैं, जब आपने ये प्रश्न उठाई लिया, दो और चीजें हैं बहुत इम्पोर्टेंट कि जी भारतीय संविधान सभा में जी अपने वक्तव्यों में बहुत से लोगों ने संस्कृत के श्लोक भी उद्धृत किए हैं, गुरुबानी भी उद्धृत की है, कुरान भी की है, इनकी जो भारतीय संस्कृति है जी उसको लेकर। और मैंने एक छोटा सा अध्ययन किया है और मैंने ये पाया कि कम से लगभग 450 से ऊपर उदाहरण है कि जब भारतीय संस्कृति की बात की गई है अथवा उसकी कोई सूत्र, कोई श्लोक, कोई सूक्ति वगैरह वहां पर उद्धृत किए गए हैं। जी तो जी एक बिल्कुल विषय अपने आप में बनता है, एक चैप्टर पूरा बनता है कि आप जो भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि में भारतीय सांस्कृतिक चेतना, बिल्कुल बिल्कुल ये एक विषय लगाया जाना दूसरा चाहिए। दूसरा एक और है सर बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारतीय संविधान सभा में जब भाषा का प्रश्न आया तो उसमें संस्कृत के बारे में क्या कहा गया, क्या डिस्कशन हुआ, बिना एडिट किए ही छपना चाहिए वो, बिल्कुल कुछ नहीं उसमें। मैंने मेरा अपना विचार क्या है, आपका क्या, इसका कोई अर्थ नहीं।
केवल और केवल इतना ही, हम एक किताब छोटी सी छाप दें कि भारतीय संविधान सभा में संस्कृत पर चर्चा, जी जी उसमें भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। जी बिल्कुल। तो तो ये ये जी दो चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं सर। जी तो मल्टी डिसिप्लिन में इसको जरूर लगाया जाना चाहिए और इतिहास के रूप में जो है इस विषय को पढ़ाया जाना चाहिए। सर ये बहुत सर, बहुत नहीं सर, एक मिनट ले रहा हूं, ये विषय वो है जो मैं ये समझता हूँ अक्रॉस द स्ट्रीम है, चाहे जी जी वो बिल्कुल बीएससी का हो, चाहे बीकॉम का हो, कोई भी हो। हाँ आफ्टर वो यदि हमारा भारतीय संविधान से, तो हम सभी निर्देशित होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए कह रहा हूँ वो एमडीसी में लगाना जरूरी है। संस्कृत का जो सिलेबस है उसमें ये आवश्यक है। तो धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर प्रदीप कुमार राय जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से हैं और क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। डॉक्टर प्रदीप जी अपने को अनम्यूट करेंगे। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार। मैं हाँ जी आप सभी को नमस्कार करता हूँ। तो डॉक्टर आशुतोष जी, मैडम विनय जो हैं मेरे पहले से जाने पहचाने चेहरे हैं, तो नए लोगों से भी जुड़ा बहुत अच्छा। खैर बिल्कुल विषय पे आते हुए देखिए, अभी सर ने अपने सुझाव देते हुए एक बात कही थी, हमें संस्कृत के संदर्भ में बात कर दी, इस चीज पे हमें स्पेसिफिक होने की जरूरत है। पर मेरा अनुरोध यहाँ ये है कि पहले हमें एनईपी को लेकर स्पेसिफिक होने की जरूरत है। अगर एनईपी को लेकर हम बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं हैं तो देखिए विमर्श से कुछ निकलने वाला नहीं है। पहले तो देखिए मैं एक अनुरोध के रूप में एक बात पूछना चाहूंगा कि इस विमर्श में हिस्सा लेने की एक पात्रता थी कि जो नई शिक्षा नीति है उसके जो मुख्य बिंदु हैं उनको लेकर हम पूर्णतः स्पष्ट हैं या नहीं है। मैं अनुरोध रूप में एक बात कहूं, क्या आप में से कोई मैसेज कर कर ये बताएगा कि नई शिक्षा नीति का दो बड़े प्रमुख बिंदु कौन से हैं और दो में भी वो एक कौन सा है जिसकी दूरी के आसपास संपूर्ण नई शिक्षा नीति घूमती है। अगर तो हमें उसकी जानकारी नहीं है तो देखिए विमर्श के अंदर भागीदारी का कोई अर्थ नहीं बनता। होलिस्टिक एंड इंटरडिसिप्लिनरी, ये दो उसकी धुरियां हैं मेरी समझ के हिसाब से, कि होलिस्टिक एजुकेशन और इंटरडिसिप्लिनरी, क्योंकि एक तो आपने सही कहा आशुतोष जी, लेकिन मुझे कहीं से जवाब नहीं मिला। आपको पता है इसके केंद्र में जो सबसे मुख्य अवधारणा, सबसे मुख्य कॉन्सेप्ट है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का इसमें जितनी बार जिक्र किया गया है इतना किसी और शब्द का नहीं। डॉक्टर एल्बर्ट जो मद्रास के अंदर एक अच्छे जाने माने शिक्षाविद हैं और कई अखबारों में लिखते हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से कहा कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है इसमें कई जगह इस्तेमाल की गई है पर क्रिटिकल थिंकिंग है क्या इसको लेकर कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई। अब ये बात आप गौर से सुनिएगा ठीक है। अब क्रिटिकल थिंकिंग का आधार क्या हुआ कि विद्यार्थी को पहले मैसेज इंटरप्रिटेशन की साइंस अच्छे से सिखाई जाए किसी भी सब्जेक्ट का विद्यार्थी हो। ऐसा कोई विषय है जिसके अंदर विद्यार्थी को मैसेज इंटरप्रिटेशन की साइंस की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरा विषय की बात कही, अब ये संपूर्ण कर दूं कि जो मैसेज इंटरप्रिटेशन की क्रिटिकल थिंकिंग की बात कही गई, क्रिटिकल थिंकिंग को सहजता में हम मैसेज इंटरप्रिटेशन के रूप में मान लेते हैं। मैं यहां ऐड करना चाहूंगा आशुतोष अंगिरस जी, मैंने मैडम बिंदु ने मिलकर जो भारतीय शास्त्रों में क्रिटिकल थिंकिंग का मॉडल है उसकी मॉडर्न एप्लीकेशन पर आज के सब्जेक्ट में उसको कैसे यूज करें, सर ने हमें संस्कृत शास्त्रों से वो बताया, हमने जो मौजूदा थ्योरी है उसके साथ उसका तालमेल कैसे बनेगा उस पर काम किया। वो इंटरनेशनली पब्लिश हुआ और संयोग था कि कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी चाइना ने उसको पब्लिश किया। खैर आगे बढ़ते हुए जो सर ने कहा कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, यहां मैं जो चर्चा सुन रहा था सभी जो सुविज्ञ जन हैं वो बात संस्कृत के आसपास ही रख रहे थे। ध्यान से समझिएगा,
इसमें आशुतोष जी सही कहते हैं कि पाठ्यक्रम के बहुत सारे बिंदु पुराने चीजें हैं जो नए के रूप में प्रस्तुत की गई है, वहां तक सत्य है। पर एक नई बात क्या है कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हमारी एजुकेशन में बढ़े। उसका अर्थ क्या है, बहुत सारी चीजें हर विद्यार्थी दूसरे सब्जेक्ट से जानता और समझता है। हम विद्यार्थी को तो क्या कहें, सभी टीचर अपने दिल पर हाथ रख के देखें, क्या हमने किसी और सब्जेक्ट को भरपूर सम्मान देने की चाह अपने भीतर रखी है? क्या हमारा मन हुआ है कि कभी सोशियोलॉजी को सम्मान दिया जाए, पॉलिटिकल साइंस को सम्मान दिया जाए, क्या संस्कृत का व्यक्ति होते हुए इकोनॉमिक्स के महत्व पर गौर किया जाए? और क्या कभी इकोनॉमिक्स वाले के मन में कभी हुआ कि संस्कृत से हम क्या लेकर अपनी अर्थशास्त्र की शब्दावली को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं? क्या कभी हमारे भीतर ये चाह उत्पन्न हुई? वो चाह हमारे भीतर उत्पन्न हुई ही नहीं। देखिए, अभी तक मैं हैरान होता हूं, बहुत एक्सपीरियंस टीचर भी कई बार मैं प्रश्न कर लेता हूं कि कितने विषय हैं, तो वो कहते हैं कि हजारों और लाखों विषय होंगे। मैंने कहा हजारों और लाखों? मैं आपको एक बात कहता हूं कि विषय तो सिर्फ एक है, बाकी तो उसकी शाखाएं हैं। किसने कहा सब्जेक्ट दो हैं? सब्जेक्ट तो फिलोसफी है, सभी उसकी शाखाएं हैं। पूरे संसार भर में फिलोसफी को केंद्र मानकर अलग अलग सब्जेक्ट को आपस में जोड़कर ज्ञान परंपरा को चलाया गया। अगर अपन संस्कृत की बात से आगे ना बढ़ पाए, हम इकोनॉमिक्स के व्यक्ति होके इकोनॉमिक्स से आगे की बात नहीं कर पाए, तो समझिए कि कभी भी भला होने से रहा। अब मैं जैसे कि, धन्यवाद प्रियंका जी, मैं आपको एक बात कहूं, मेरा विषय मास कम्युनिकेशन का है आशुतोष जी। इस जी विषय का जो जन्म है वो एंथ्रोपोलॉजी डिसिप्लिन के लोगों ने किया, उनके प्रश्नों के जवाब जब नहीं मिले वो सोशियोलॉजी में गए, सोशियोलॉजी से जब प्रश्नों के अभाव रहा तो हम इंग्लिश के पास गए। मैं अब यहां ये बात कहता हूं कि मेरे सब्जेक्ट मास कम्युनिकेशन में जो अधूरापन था, जहां पर चीजें स्पष्ट नहीं हो रही थी, मैंने संस्कृत शास्त्रों से आशुतोष जी की मदद से लेकर उसे अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाया, हमारे यहां भी सिलेबस में शामिल हो गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हमने मीडिया लिटरेसी का जो सिलेबस है उस संस्कृत शास्त्रों से जो मॉडल मिलता है उसके प्रिज्म में बनाया। अब मैं दूसरी बात कहूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में भी, जैसे मैंने जिक्र किया, तो वहां पर प्रोफेसर अशोक हैं, उनको भी ये चाह हुई। प्रोफेसर अशोक ने भी संस्कृत शास्त्रों का के टेक्स्ट का प्रयोग करते हुए उस सिलेबस को बनाया। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि मैंने ये काम किया, और ये सीमा यहीं तक नहीं, ये साझा प्रयास था। यूनेस्को में जो मैंने शोध पत्र 2018 में प्रस्तुत किया, उसमें मैंने जो चीजें मॉडल के अंदर हमारे सब्जेक्ट की कमी थी, वो मैंने ऐसे ही एंशियंट टेक्स्ट से ली, आशुतोष जी और दूसरे स्कॉलर्स की उसमें मदद ली, यूनेस्को ने उसको एक्सेप्ट किया। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, भारत में तो सिलेबस जो है ना, एक मीटिंग के 7 मिनट में भी पास हो जाते हैं, आप सबको पता है, 7 मिनट में सिलेबस पास हो जाता है। यूनेस्को वगैरह में 1.5 महीने कमेटी बैठ के जो है पूरा मूल्यांकन करती है कि बात तथ्यात्मक है भी नहीं या मॉडल है भी या नहीं। अब उसको स्वीकार किया गया, और मैंने ये शर्त रखी, हम धक्के से इंग्लिश की ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, जो हमारे संस्कृत शास्त्र के अंदर शब्द है। मैंने उनको कहा कि आप अपने फैक्ट के लिए व्याख्या करते हैं, दैट इज मोर देन विजिबल, हमारे यहाँ यथार्थ है, यथा अर्थ, जैसा अर्थ ज्यों के त्यों। अब मैं आपकी वजह से उसकी कोई जबरदस्ती ट्रांसलेशन इंग्लिश में करूं तो अर्थ नहीं बनेगा। पर खुशी देखिए, यूनेस्को के अधिकारी यूरोप में मुझे सुनने के लिए तैयार हो गए, सारा खर्चा उन्होंने उठाया, वहां बुलाया, वो सुनने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अपने यहाँ के शिक्षक अभी अपने भीतर इतना स्पेस नहीं बना पाए कि हम दूसरे विषय के उसको समझ लें। अब मैं तो पिछले 10 साल से इस यात्रा पे चला हुआ हूं, पर मुझे आप एक बात बताएं, अगर मैं कहूं कि आओ आप मीडिया लिटरेसी, जो मास कम्युनिकेशन का विषय है, जहां मैंने आपके डिसिप्लिन को शामिल किया, आप उसके साथ जुड़ना चाहोगे? मैं तो नहीं कहता,
मुझे 10 साल हो गए, मुझे वो लोग ढूंढे नहीं मिलते। ठीक है, अब आप एक बात देखिए, आज संस्कृत के जो मैंने मैसेज इंटरप्रिटेशन के मॉडल पे काम किया, हिस्ट्री के सब्जेक्ट के अंदर भी उसकी खपत है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और इवन की जो प्योर साइंसेज है उसके अंदर भी इसकी खपत है। अगर साइंस वाले लोगों के अंदर ये नैतिक साहस है, आओ हम अपनी मैसेज इंटरप्रिटेशन और संदेश विश्लेषण की कला को सुस्पष्ट और बेहतर बनाने के लिए संस्कृत की मदद लें, और संस्कृत वालों के अंदर इतना साहस है कि आओ उनके कॉन्सेप्ट समझें, उनके कॉन्सेप्ट समझ के हम तैयार करके दें। यही तो करना है इस एनईपी के अंदर, पर हम उसके लिए तैयार नहीं होंगे क्योंकि उसमें बहुत मेहनत पड़ती है, दूसरे का कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आती है। अब मैं आपको एक और बड़ा सशक्त उदाहरण देता हूं क्योंकि समय की मर्यादा का भी मैंने ख्याल रखना है। क्या आपने कभी, बहुत सीनियर लोग हैं, प्रोफेसर सुंदर सरकोई का नाम किसी ने सुना है? नहीं। इतना बड़ा फेमस नाम भारत के अंदर, प्रोफेसर दुनिया होती है लेकिन इतनी प्रसिद्धि शायद ही किसी को मिली हो जितनी प्रोफेसर सुंदर सरकोई को मिली। क्यों मिली? उन्होंने, आशुतोष जी, अपनी पीएचडी फिजिक्स के अंदर अमेरिका से की, उसके बाद उन्होंने फिलॉसफी के अंदर पढ़ाई की और जो वो मूलतः जिस विषय को उन्होंने अपनाया वो फिलॉसफी थी। उन्होंने फिलॉसफी के विषय से साइंस और दूसरे कई डिसिप्लिन को चमकाया। प्रोफेसर सुंदर सरकोई की बुक है व्हाट इज साइंस। प्रोफेसर सुंदर सरकोई ने व्हाट इज साइंस में समझाया कि अलग अलग डिसिप्लिन को नाम कैसे और किन परिस्थितियों में मिले। मुझे उनकी किताब से पता चला कि एक लंबे युग तक हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री को नेचुरल फिलॉसफी कहा। फिजिक्स और केमिस्ट्री इसका नाम बहुत देर में पड़ा। संस्कृत शास्त्र और दूसरे डिसिप्लिन के लोग फिजिक्स के विषय में आशुतोष जी अपना योगदान देते थे जब तक ये नेचुरल फिलॉसफी के रूप में उसको कहा जाता था। ठीक है, अब हमारे साथ समस्या क्या है? अभी तक हमने पहली शर्त यही पूरी नहीं करी कि दूसरे के सब्जेक्ट को सम्मान दे दें। आप संस्कृत के सम्मान का उलाहना दुनिया को देते फिरते हैं, पर दिल पे हाथ रख के कहिएगा कि जो इस समय इकोनॉमिक्स के अंदर शब्दावली चली हुई है, कभी मन करता है कि जाने? कभी मन करता है? अगर आपका मन कर जाए, अगर आपका मन कर जाए, आपको वहां पता चलेगा कि संस्कृत से आप इकोनॉमिक्स के विषय को क्या योगदान दे सकते हैं। अब मैं बिल्कुल इसके उपसंहार की तरफ बढ़ूंगा। कहने के लिए मेरे पास कई चीजें हैं जो मैं एक प्योर विशुद्ध ज्ञान के रूप में नहीं, एक अनुभव जन्य विषय के रूप में जो चीजें कह रहा हूं। अब आप एक बात देखिएगा, अगर आप गौर से करें, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और ऐसे और सब्जेक्ट, इवन के साइंसेज में जो बेसिक सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, उनमें अंग्रेजी की व्याख्याओं के कारण अधूरापन है। आप उन कॉन्सेप्ट को संस्कृत के शास्त्रों से शब्दावली और प्रॉपर्टी के माध्यम से समृद्ध कर उनकी समझ में व्यापकता ला सकते हैं। उन कॉन्सेप्ट को, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, वो निश्चित रूप से वहां हो सकता है। शुरुआत सब अपने अपने कॉलेज से करें। हमने यूनिवर्सिटी में की, कन्विंस किया, मैंने कहा कि आप एक बात देखें कि जब मैसेज इंटरप्रिटेशन और हम आलोचनात्मक चिंतन, जिसकी अब देखिए, एक बात सुनिएगा, यही बात कर लेते हैं उसके बाद मैं विराम दूंगा, कि जब ये कह दिया गया कि आपका कोई भी जो है किसी भी ब्रांच ऑफ नॉलेज, अब पहले तो आप अगर एनईपी आए आप ये कहें कि आप किस ब्रांच ऑफ नॉलेज से हैं, क्योंकि सब्जेक्ट तो सिर्फ फिलोसफी हुआ, बाकी उसकी ब्रांचेज हुई। अब आप किस ब्रांच से हैं, वहां यह समझने वाली बात है कि सभी को मैसेज इंटरप्रिटेशन और आलोचनात्मक चिंतन का जो फंडामेंटल है वो पढ़ाया जाए। अब वो जो फंडामेंटल है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह है, वो न्याय और मीमांसा में है, जिसको बताएंगे आप। लेकिन अगर आप शुद्ध संस्कृत का ज्ञान पेलने लग जाएंगे उससे लाभ नहीं होगा। आपको इंग्लिश में जो उसकी व्याख्या है उसके प्रति सहज होना होगा, उनके जो अधूरे प्रश्न हैं उनको समझना होगा, तब जाकर आप जो योगदान दोगे वो अपने आप में ऐतिहासिक होगा और सच में वो एनईपी के खाने के अंदर बिल्कुल फिट बैठेगा। मैं अपनी बात को यहां विराम देता हूं। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ था लेकिन समय की मर्यादा तोड़कर कहना
कोई भी वक्तव्य नहीं है, कोई भी भाषण नहीं है, मैं यहीं विराम दूंगा। नमस्कार सर। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर सुझाव है और बिल्कुल एक आपने आलोचनात्मक चिंतन जो है प्रस्तुत किया है, इस सुझाव के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब इसके बाद डॉक्टर सदानंद जी, आप अपनी बात रखना चाहेंगे संक्षेप में? महोदय जी, I would like to take all of you back to one of our classes during graduation. It was a Malayalam class, and the subject matter was Lanka Dahanam, destroying of Lanka by Hanumanji. And at the end of the class, once the poem was completely interpreted, it is written by Tunjat Ramanujan Ezhuthachan, Sanskritized Malayalam. At the end, one of my classmates stood up and asked the Malayalam professor, "Sir, what is the relevance of teaching all these to us in our future?" So he smiled for some time, and then asked him to sit down and gave the immediate answer. You just tolerate for this thing for a year, we will get our salary for 1 year. That is true. Looking backwards in retrospect, not added to our super ego. It is from these Malayalam classes or language classes or a little bit of Sanskrit which was there in Malayalam poems that gave us what we needed as an addition or boost to the super ego. This is what I would like to tell. We are talking about Sanskrit language education. I would like to point out that our children, we have to teach them the regional language, they will pick up. Then Rashtrabhasha, Hindi, they have to pick up. English, if they want to have any further reading, communication, etc. So they are interested in trilingual policy. Suppose you are adding Sanskrit now. It is a fourth language for many age groups, including me. Now, in the childhood, will they get confused if all the four languages are fed to them at an appropriate stage? Will they be confused? It is a big question. And it is asked by several parents, mothers and fathers of small kids when they go to the school. It's a confusing question, but there is a clear-cut answer. What is the answer? I will first of all quote Jean Piaget and Professor B. Ramamurthy of Chennai. Jean Piaget is in Switzerland. Piaget Institute on Cognitive Development of Children and Adolescents. So there, in both their finding, they are very sure that three or four languages fed to the children during the formative years, early years, it is not going to confuse them. Now, another evidence. While I was in France, Paris, University of Paris, learning child and adolescent and infant psychiatry, I had the occasion to talk to Indians, children who were born there. They speak Tamil, they speak Hindi according to their mother tongue and what language they use in their homes. Outside, they speak French very well. And to us, they know that we know English. They spoke English. So mother tongue, French and English, and they know, I was surprised, they know very well Hindi and another language where they had lived in another state in India. So children at an early stage, they pick up the language. When they talk, they use that particular language only. They will not mix. We only have to provide them as a role model and also enroll them as early as possible, not only to the mother tongue English and Hindi, but also to Sanskrit.
So I feel that it is well illustrated by the cognitive development scientists that the neuronal basis and the experiential basis of our behavior. The earlier you feed the children with these languages, the better. It goes into the structuring of their thought process, which is the basis for their structuring of their future behavior. Current behavior also, future right. behavior as adolescents and adults. Now coming to the concept, I talked about the brain and behavior, the brain biochemistry and behavior, and the brain biology and behavior, brain development and behavior. See, there is a process of regeneration, the regeneration, degeneration, and again the regeneration, which is going on in the brain in the prenatal period and also in the postnatal period and also during the first 3 years of life. There, the cell growth and cell differentiation and cell migration and for specialized activities, including language, concept formation, etc. It is all active. And that is the time we have to feed them with the Sanskrit. My question is, I know Sanskrit before I learned Sanskrit. I haven't learned Sanskrit in the school or in the college. But I know that I can understand 30% of it because of its root, Dhadu is from Sanskrit in my mother tongue, Malayalam. So I can understand that. Actually, it should be the other way around. Via learning Sanskrit, I should understand Malayalam better. Okay. That's the Sanskrit Malayalam used by Tunjat Ramanujan Ezhuthachan, who wrote the Ramayanam in Malayalam, Sanskritized Malayalam. So I feel that the earlier you feed the children with Sanskrit, then the mother tongue, any mother tongue in India will have its roots in Sanskrit. Very rarely I see one or two languages or few languages which are not having a root in the Sanskrit language. So the earlier you expose the children and make them experience Sanskrit, it will be better. The earlier you expose them, it is better. It is well illustrated, and currently that concept is in activity, in practice, in one of the villages of Karnataka. Yes, yes. Everybody can speak Sanskrit apart from Kannada. Thank you very much. Thank you so much, sir. That's a very well driven point. The children should be taught Sanskrit at the earliest stage of their life, so that they have a better command over their mother tongue. They have better understanding of their mother tongue. So that's a wonderful point. अब मुझे लगता है कि डॉक्टर इंदु शर्मा जी और उसके बाद डॉक्टर जयप्रकाश जी और फिर डॉक्टर सलील आचार्य जी नाम पूरा नहीं लिखा हुआ. चलिए मैडम इंदु, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं तो नहीं, आप अनम्यूट करिए अपने को. शैलेंद्र जी कह रहे थे. अच्छा, हाँ जी शैलेंद्र जी, डॉक्टर साहब आप अपनी बात कह लीजिए, फिर उसके बाद डॉक्टर जयप्रकाश गुप्त जी, फिर चंदन गुप्त जी से भी बात लेंगे, डॉक्टर अनुभा जैन भी जर्मनी से जुड़ी हुई हैं. जी डॉक्टर साहब प्रणाम. देश और विदेश में संस्कृतज्ञों को मैं इंदिरा गांधी महिला महाविद्यालय का संस्कृत अध्यापक होने के नाते प्रणाम करता हूँ. डॉक्टर विनय सिंगल जी का बड़ा हार्दिक आभार जिन्होंने इस मंच में मुझे समायोजित किया. आदरणीय डॉक्टर आशुतोष जी, मैं निरंतर आपके कार्यक्रम में सम्मिलित रहता हूँ, यूट्यूब के माध्यम से मैक्सिमम आपका मैं विचार सुनता रहता हूँ. तो आज NEP के इस संदर्भ में संस्कृत भाषा का ये जो मतलब वर्धन करने के लिए, संवर्धन करने के लिए आप लोगों का विचार बहुत ही सुंदर है. तो मैं व्यक्तिगत और जो हमारी आधुनिक
महाविद्यालय शिक्षा पद्धति है उसमें भी बच्चों के लिए ठीक है कि हमने ये मेजर माइनर का फंडा एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय ने इतनी जल्दबाजी में जो एक कदम उठाया है, हम उस वर्कशॉप में भी थे जो उसी दिन इसका रिजल्ट सामने था वहाँ, तो मैं ज़्यादा उसके ऊपर टांग खींचने वाली बात नहीं करूँगा। तो मेजर सब्जेक्ट्स के साथ जो हमने भी बच्चों को चूज करवा दिया कि ये ले लो ये ले लो ये ले लो, और बाकी के जो चार इन्होंने रखे हैं एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्सेज जिसको योग्यता वर्धक कोर्स कहेंगे, तो जो बच्चा इंग्लिश के साथ इंग्लिश लेकर के मेजर में आ रहा है तो संस्कृत में वो क्या पढ़े, तो उसको ये जो आदरणीय विद्वानों के द्वारा हमारे लिए जो गाइडलाइन आई है सब्जेक्ट सिलेबस आया है, तो उसमें यदि झांकी मारे देखें तो वही पुराना, क्यों ना हम इसके अंदर जो भारतीय जो साहित्य है उसका एक नया पेशे पुराने लें एक नए रूप में लें। इतिहास पढ़ने वाला बच्चा तो हिस्ट्री इतिहास को पढ़ने वाला बच्चा क्यों ना भारतीय परंपरा के इतिहास को जानकारी लेकर के विश्व के इतिहास तक पहुंचे जी, वो जो अपनी माँ की पहचान ना कर पाए वो दूसरे की माँ को प्रणाम करता फिरे तो मैं तो इसको अच्छा नहीं मानता हूँ। तो वही बात पोल साइंस पढ़ने वाला बच्चा है, पोल साइंस में भारतीय संविधान चलो है तो उससे पहले जो भारतीय संविधान का आधार रहा होगा तो उन बातों को क्यों ना हम मेजर पोल साइंस लेकर के जो एबिलिटी इन्हांसमेंट योग्यता वर्धक है या स्किल कौशल वर्धक है या मौलिक वैल्यू एडिड कोर्सेज है तो क्यों ना हम उस पोल साइंस वाले बच्चों को इस संस्कृत भाषा के जितने भी ये हमारा संविधान से संबंधित है तो हम उसमें क्यों नहीं जोड़ पाए। जी, तीसरी जी। बात वैल्यू एडिड कोर्सेज में हमारे लिए हम जैसे हमारे कॉलेज में 14 स्ट्रीम चल रही हैं, बीए बीएससी बीकॉम है बीसीए है अपना कंप्यूटर साइंस है, तो इन सब में इन चार सब्जेक्ट्स में हमारे सामने जो जो सिलेबस दे रखा है तो हम हर स्ट्रीम में कैसे एंट्री करेंगे। इसके साथ होना ये चाहिए था कि हर स्ट्रीम में एक संस्कृत का, हालांकि सबको पता है सबका बेस, आदरणीय आशुतोष जी के जितने भी लेक्चर मेरे पास हैं मैंने डाउनलोड भी किए हैं, मैं उसमें सब्सक्राइबर भी हूँ आप वाले में, तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपने एनईपी का सोचने से भी पहले आज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ठीक है कि फर्स्ट है कर दिया इन्होंने, लेकिन आशुतोष जी पिछले मैं कोरोना काल से आपको निरंतर सुन रहा हूँ, आपने तो वो बहुत पहले कर दिया है, आपने उसमें हर मतलब संदर्भ में बात की है कि ये हो सकता है ये हो सकता है, तो मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का कोई कमी नहीं निकाल रहा हूँ, तो आप जैसे आदरणीय विद्वानों को क्यों ना उसमें रखा गया, आपने जब पहले दे दिया है तो वो हर सब्जेक्ट के लिए चाहे वो साइंस का बच्चा है चाहे वो कॉमर्स का बच्चा है चाहे वो कंप्यूटर का बच्चा है, तो उसमें ये जो चार कोर्सेज अलग आने वाले है तो समय आने वाला था वो, तो मैं आप बड़े विद्वानों के बीच में छोटा सा एक संस्कृतज्ञ हूँ तो ज्यादा मैं कुछ कह करके इस नई शिक्षा नीति के अंदर बड़ा ही एक व्यापक स्तर पर हमें अवसर है, परंतु दुर्भाग्य रहा है हमारा इस जल्दबाजी में कि वही पुराना एक ठीक है जो पुराना एक हमारी भारतीय परंपरा है, लेकिन इतना भी हम अपने आप को जल्दबाजी में इतना गला न घोंटें कि बच्चों को सामने हम क्या लेकर के जाएंगे, वही एनईपी आ गई जी एनईपी आ गई जी, लेकिन बच्चे क्या वही है जी, ये तो वही है जी, तो इस करके तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने अपने विचार थोड़ा सा ओजस्वीता के साथ रखे हैं। नहीं नहीं जी, तो, बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, यही है जी जी जी, अगर हम टीचर से महसूस नहीं करेंगे तो कैसे कहेंगे कोई औपचारिक जी। अब इसी जी इसी बात को हम लेकर के एमए में जाए, हमारे कैथल में ये जो मुंडरी संस्कृत विश्वविद्यालय चल रहा है तो हमारे कॉलेज के सबसे ज्यादा बच्चे वहां जाते हैं संस्कृत के लिए, एमए सबसे आचार्य करने के लिए आगे पीएचडी में भी चल रहे हैं, तो वो बच्चे बुरा ना माने तो ये विद्वान लोग, वो बच्चे वहां खुश नहीं है, कारण कि वो जिस मूड से यहाँ से मैंने तैयार करके भेजे थे वो वहां पर मतलब 20% तक भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। मैं एक एडहॉक कर्मचारी हूँ, परमानेंट नहीं हूँ, मैं इतना पूरे हरियाणा की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ लेकर के बैठा हूँ डॉक्टर आशुतोष जी,
मैं जी पीयूष जी का स्टूडेंट रहा हूँ, पीयूष जी अच्छा ने मेरे अच्छा को शास्त्री भी पढ़ाया, पीयूष अग्रवाल जी। जी तो मैम मैं हाँ, तो पूरे हरियाणा की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कॉलेज में है मेरे पास, तो वो बच्चे आगे क्या करें। बिल्कुल बिल्कुल यही मैं प्रश्न है। एमए तक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, जब वो दिन याद है मेरे को, जब एडमिशन के लिए फोन आते थे मेरे पास, हमारे पास बच्चे भेजो। आज जब उनके पास बच्चे मैंने भेज दिए, तो उन्होंने क्या नया दे दिया उनको। आदरणीय सारे विद्वान सबसे मैं संपर्क में हूँ, तो क्यों नहीं वो उनको संभाल रहा है। विश्वविद्यालय में जी ऐसा क्या है जो कि बच्चे वहां पर शिक्षा, चलो एक डिग्री के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो अभी, ये बड़े दुख की बात है सर। मैंने इसका अध्ययन किया, इस सिलेबस का, तो हमारे कुछ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पास ऐसी कोई पुस्तक नहीं है जो इसमें लगा पाए हम। आज तक बिल्कुल के पूरे जब से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय बना है, एक भी किताब अपने पास नहीं है कि हम इस सिलेबस में लगा पाए। क्यों, सारी दिल्ली की कहीं की सारे विद्वान आदरणीय हैं, परंतु कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पास इतने कॉलेजेस हैं, इतने आदरणीय विद्वान हैं, क्या हमारे पास एक भी किताब नहीं है इसमें लगाने के लिए एनईपी में। तो बड़े दुर्भाग्य की बिल्कुल बात है। यदि मैं स्टडी गलत कर पाया हूं तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, तो मेरे को तो नहीं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की एक भी किताब इसमें नजर नहीं आ रही है। तो जी बिल्कुल ये हम तो भी ठीक है क्षमा प्रार्थी का सब। ये तो नहीं नहीं हम बिल्कुल नहीं जी क्षमा प्रार्थी नहीं है डॉक्टर साहब। अगर हम अभिव्यक्त नहीं करेंगे तो फिर जी वो बात नहीं बनेगी ना। अभिव्यक्त सर, करेंगे तो ये कार्य जी जी विनय मैडम मैम कुछ कह रहे हैं। हेलो एक अध्यापकों के हृदय में है, परंतु नहीं तो हेलो जी सदानंद डॉक्टर शैलीन आचार्य हैड टॉक्ड अबाउट होम साइंस कोर्सेस। इन दिस रिगार्ड आई वुड लाइक टू टेल यू देर इज अ वेरी नाइस सिटेशन बाय प्रोफेसर आनंद लक्ष्मी, हु वाज प्रोफेसर इन द होम साइंस डिपार्टमेंट इन द लेडी इन इरविन कॉलेज इन दिल्ली। अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड इट्स रिलेशनशिप विद द एनवायरमेंट, द फैमिली, द लैंग्वेज एक्सेट्रा, इट्स वेरी नाइसली कंपाइल्ड इन दैट बुक। आनंद लक्ष्मी इन द ओके 60s थैंक एंड 70s इन दिल्ली। थैंक यू। यू सेंड द रेफरेंस टू मी और आई विल शेयर दिस इंफॉर्मेशन इन द चैट। जी जी मैडम जी आप क्या कह रहे हैं उसके बाद डॉक्टर जयप्रकाश गुप्त जी डॉक्टर अनुभा जी डॉक्टर रितु डॉक्टर जीवन आशा ये सभी फिर बात करेंगे। अपने को अनम्यूट कर लिए मैडम विनय जी सर, मैं ये कह रही थी कि कल और परसों 2 दिन के बीच में मैंने अनेक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों के अनेक टीचर से संपर्क करने का प्रयत्न भी किया और संपर्क भी किया, और दुख सब में है परंतु प्रत्यक्ष कोई नहीं कर रहा है। वाचिक रूप में कोई समक्ष नहीं आ रहा है, सामने नहीं आ रहा है, मैं नहीं जानती। और मैं शैलेंद्र जी को हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि कम से कम अपनी बात रखने में बहुत ज्यादा निष्पक्ष रूप से और बड़े हृदय से, बड़े उदार हृदय से उन्होंने अपनी बात को रखा। क्योंकि क्यों, अगर एक चीज बुरी है तो उसको बुरा कहने में क्यों इतना भय भयभीत हो रहे हो। क्योंकि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है अनेक अनेक पीढ़ियों की। जी सर, बिल्कुल कि बिल्कुल हम अपनी पीढ़ियों को क्या दे के जा रहे हैं, वो कहाँ से वर्कलोड लेंगे, कहाँ से रोजगार लेंगे, किस आधार पे कहें हम कहें कि तुम एमए संस्कृत कर लो। तो हमें कुछ 5-7 साल, 10 साल सभी के इतने ही रह रहे हैं, हम 10 साल तक भी सब्जेक्ट को खींच पाएंगे कि नहीं पाएंगे, मैं नहीं जानती। तो बड़े उदार हृदय से इन्होंने अपने बात को, हाँ, बिल्कुल और बड़े सर मैं सच कह रही हूँ कि मैंने अनेक टीचर से बात की और सबके अब मेरे पास पर्सनल मैसेज आ रहे हैं, सॉरी आई कांट ज्वाइन, सॉरी कांट ज्वाइन, मतलब कोई चिंता नहीं है क्यों। वो जी सर, तो बचाव का तरीका मैं भी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हम सभी दुविधाएं तो हैं, लेकिन कौन पीड़ा हरण है। हाँ, और सर एक बात और कहूंगी, मेरी हमारे एक्चुअली कौन है मीटिंग के लिए बुला लिया गया है मुझे, कि इंडियन नॉलेज हाँ सिस्टम के आधार पे, हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पे, हमारे सभी जो विषय हैं, जो 18 विषय हमारे कॉलेज में हैं, सभी में हाँ इस सब्जेक्ट को डाला गया भारतीय ज्ञान जी परंपरा, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, हाँ बायोलॉजी में भी, बोटनी बिल्कुल में भी। बट कितने लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे एमडीसी को,
कितने लोग उस वैल्यू एडेड कोर्स को अपने कॉलेज में लेके आएंगे। मान लो 50 एक कोर्स शुरू हो गए, वो अपनी स्ट्रीम से संबंधित कोर्स तो शुरू कर देंगे, मान लो एस्ट्रोनॉमी आर्यभट्टा डाल दिया गया, बट कहाँ से वो लागू करेंगे? वो उन्होंने आर्यभट्ट के एस्ट्रोनॉमी को नहीं पढ़ा है। क्यों ये वैल्यू एडेड जो कोर्सेस हैं वो स्वतंत्र रूप से नहीं दिए गए? दूसरी बात, अगर जिन डिपार्टमेंट्स को दिए भी गए हैं तो क्या वो उन्हें लागू करेंगे? 10 कोर्सेज के बीच में क्या वो भारतीय ज्ञान परंपरा के उस प्राचीन विज्ञान के विषय को लेकर के कोई कार्य करेंगे? ये हम लोग कितना श्योर हैं मैडम जी? मैडम इसमें अभी सॉरी डॉक्टर साहब, इसमें जो उस दिन वर्कशॉप यूनिवर्सिटी में थी तो वहां पर जो दोगलापन वहां पर दिखा कि हम कुछ कॉलेजेस को ये करेंगे, कुछ कॉलेजेस को ये करेंगे, तो आप अभी आपकी नियत दोगलापन में है। आप कुछ कॉलेज को हम ये करेंगे, आप जो कॉलेज आपको दे रहा है, आपको चला के दिखा रहा है, उस कॉलेज के लिए तो आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, जहां पर उम्मीद ही नहीं है चलेगा, कि उम्मीद है नहीं है। पिछले 5 साल से आपने कॉलेज खोल रखा है, वहां पर उम्मीद नहीं है, लेकिन वहां उनको धक्के से कह रहे कि आप कर सकते हैं, और जो करते आ रहे हैं उनको आप कह रहे कि नहीं कर सकते आप। तो ये मैं वहां पर मुझे दोगलापन नजर आया, तो ये डॉक्टर साहब प्लीज कहीं अगर बात पहुंच सकती है तो प्लीज प्लीज। जी जी मैडम, इसमें ऐसा है कि हम अब इसके लिए दोषी तो हम लोग ही हैं। फिजिक्स वालों ने आर्यभट्ट या और जितने तथ्य हैं वो अंग्रेजी में करके उन्होंने अपने सब्जेक्ट में लगा दिए, क्योंकि उन फिजिक्स के लोगों में जिनमें कि डॉक्टर डी के चतुर्वेदी जो कि पुराने इनके हेड हैं, रिटायर्ड हेड हैं एंड वेल नोन फिगर इन फिजिक्स, उन्होंने पूरी की पूरी बुक जो है ये संस्कृत आधारित जो फिजिक्स है उसके ऊपर लिखी है। इसी तरह अभी और एक बुक आ रही है डॉक्टर गिरीशनाथ झा की, संस्कृत शास्त्र एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब वो लोग तो अपना पक्ष निकाल के ले रहे हैं, लेकिन हम लोग जब इनिशिएटिव नहीं लेंगे, इस तरह से बचेंगे कि ओहो हम सामने ना आ जाए, हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा, तो वो तो फिर नहीं हो सकता। अब जबकि हम मैनेजमेंट में इतना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पंचतंत्र हम इसलिए पढ़ाएं क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट से समझाना है। अब देखिए काकोलूकियम जो है वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए है। आप इकोनॉमिक्स पढ़ाएं तो एथिकल इकोनॉमिक्स का पक्ष हम दे सकते हैं, आप सारे का सारा धर्मशास्त्र उसमें से लगाएं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए आप धर्मशास्त्रों से लेकर आए ना मटेरियल, लेकिन वो दुस्साहस करने वाली थोड़ी सी बात है। थोड़ा अगर सारे लोग उत्सुक होंगे तभी वो हो पाएगा, नहीं तो बचाव तो 96 में भी किया था, अब भी बचाव हो जाएगा ठीक है। संस्कृत की पीठ में ये छुरा घोंपने वाली बातें हैं, कर लें जैसे उनको ठीक लगता है, जैसे उनको। सर ये संस्कृत वाले हम लोग तो अपनी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, जो आगे की पीढ़ी है। मैं आपको सच बताऊं, मैं सरकार को बिल्कुल दोष नहीं देता, सरकार ने आपको पूरे मौके दिए हैं, बिल्कुल मौका दिया है। और आप सर इस समय जितना मौका तो कभी नहीं मिल सकता था, कभी भी नहीं, क्योंकि सर इस सूत्र में क्या लिखा है कि सबसे पहले मातृभाषा बच्चे को पढ़ाई जाए, दूसरे नंबर पर देव भाषा पढ़ाई जाए, और तीसरे नंबर पर राष्ट्रभाषा और चौथे नंबर पर विदेशी भाषा रखा जाए। अब वो हुआ क्या है कि उल्टा हो गया सारा कुछ, पहले विदेशी भाषा है, फिर राष्ट्रीय भाषा है, फिर मातृभाषा है, और फिर देव भाषा है या नहीं है उसका उसको ढूंढने में हम ही लोग लगे हुए हैं, उसका तो पता ही नहीं कि देव भाषा है। वो सारे का सारा शासन जो है इस बात के लिए है कि भी इंग्लिश और हिंदी ये जो सरकारी दामाद हैं इनको किस तरह से बचाना है, बचाया इसलिए वो संस्कृत जो है वो हिंसा कर रहे हैं संस्कृत के साथ सर। नहीं तो क्या दिक्कत है, चारों भाषा इन्हीं से तो मुक्ति चाहते थे, हमारी टांग पहले तो हिंदी वालों के साथ बांध रखी थी, अब उससे मुक्ति मिली है तो ऐसे हमें फंसा दिया। तो चारों के बराबर है, जो बच्चा लेना चाहे लेने दो ना, लेकिन वो नहीं लेने देंगे, क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजी वालों की लॉबीज हैं, हिंदी वालों की लॉबीज हैं। और आपको मैं और बताऊं, हिंदी के लोग जिस तरह से संस्कृत से दूरी बनाने का प्रयास कर रहे हैं और संस्कृत के प्रति एक द्वेष की भावना तक रख रहे हैं, वो बड़ा भयंकर है, बहुत भयंकर है। वो संस्कृत के लोग देखें ना देखें अलग बात है, लेकिन वो है, क्योंकि मैंने तो उनके साथ भी बात की है ना, बहुत गहरे। लेकिन चलिए अभी इस बात को फिर समेटेंगे हम लोग। डॉक्टर जयप्रकाश गुप्त जी, फिर उसके बाद और भी जो डॉक्टर चंदनलाल गुप्त जी, ऋतु तलवार जी भी, फिर समाप्त करेंगे।
सभी विद्वान विदुषियों को मेरा नमन। सुन रहा था अभी तक की सारी चर्चा, डॉक्टर आशुतोष जी को, डॉक्टर प्रदीप जी को सुना, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है मीडिया लिटरेसी के क्षेत्र में। सदानंद जी की बात से मैं पूरी तरह से सहमत होते हुए, और आशुतोष जी ने भी वो बात कही कि क्यों बच्चा प्राथमिक स्तर पर दो से अधिक भाषाएं नहीं सीख सकता। अधिकतर अभिभावकों के मन में भी ये बात बैठ गई है कि क्योंकि बच्चे को अंग्रेजी तो सिखानी ही सिखानी है, दूसरी भाषा के रूप में मातृभाषा वो नैसर्गिक रूप से थोड़ी बहुत सीख रहा है काम चलाऊ, बस तीसरी भाषा से प्रयोजन ही क्या, और यदि कोई तीसरी भाषा उसको सिखाने के लिए जोर डालेंगे तो संभवतः वो उसको ग्रहण ना कर पाए और कंफ्यूजन की स्टेट हो, जैसा कि सदानंद जी कह रहे थे। किंतु वास्तविकता इससे पूरी तरह से विपरीत है। एक बालक अपनी मातृभाषा के साथ और अंग्रेजी भी उसको सिखानी है तो अंग्रेजी के साथ संस्कृत और हिंदी जो राजभाषा है, जो राष्ट्रभाषा है, उसको बड़ी आसानी से सीख सकता है। और संस्कृत तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि अभी जो ठीक है, जो नीति बनी है, जो नई शिक्षा नीति है, उसमें पहले मातृभाषा है उसके बाद देवभाषा है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत में सबसे पहले देवभाषा, इसको कहें न कहें, किंतु भारत में सबसे पहले जो है, जो माता से वो जो जिस तरह से बात कर रहा है, जिन शब्दों में बात कर रहा है, उसकी बात अलग है, किंतु सबसे पहले संस्कृत का अध्ययन हो तो अन्य भारतीय भाषाएं वो बालक बड़ी आसानी से सीख लेगा, ऐसी मेरी दृढ़ मान्यता। अब विभिन्न विषयों में किस प्रकार से हमारे साथ छल होता आया है, और मुझे लगता है अब भी होता ही रहेगा। नामकरण तो कर दिया, अब साइकोलॉजी पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले जो हिंदी भाषा जिनका माध्यम है वो उसको मनोविज्ञान कहते हैं, वो उसको मन मान करके चल रहे हैं, किंतु मन को समझेंगे कैसे बिना संस्कृत के? मन की समझ तो उनमें है ही नहीं, मन की समझ तो उनमें साइकी के माध्यम से डाली जा रही है, तो मन नहीं समझेंगे तो मनोविज्ञान के रूप में उस विषय को पढ़ाने का प्रयोजन ही क्या हुआ? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राजनीति शास्त्र, राजनीति शब्द संस्कृत का है, अब राजनीति समझे तो सही पहले। इतिहास शब्द संस्कृत का है, इतिहास शब्द जहां से आ रहा है उस शब्द की व्याख्या तो समझ लें, किंतु वो व्याख्या न समझी जाएगी न समझाई जाएगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अब आयु शब्द संस्कृत का है, आयु शब्द को समझे बिना, और आयु शब्द समझेंगे आप तब जब भारतीय दर्शन शास्त्र में जाएंगे, जब आयुर्वेद में जाएंगे, किंतु आयुर्वेद को नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ने देंगे, नहीं उसके 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 दर्शन को पढ़ने देंगे, नामकरण कर दिया, बस इसी बात में संतुष्टि। तो कहने को बहुत कुछ है, आशुतोष जी से अनेक बार चर्चा होती रहती है, किंतु जिस प्रकार का नैरेटिव है, जिस प्रकार के लोग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स बैठे हैं, मुझे लगता नहीं है कि नई शिक्षा नीति में भी कुछ बहुत ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन आने की संभावना है। फिर भी जैसा कि डॉक्टर विनीता जी कह रही थी, ये सबसे अच्छा अवसर है, हम लोग प्रयास करें, संस्कृत से प्यार करने वाले, संस्कृत का पुनरुद्धार देखने वाले लोग प्रयास करें, तो शायद कुछ ना कुछ उसका परिणाम मिले। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, और बहुत सटीक आपने बात कही है कि भारतीय शब्दों को भारतीय संदर्भ में समझे बिना उनका अंग्रेजी दृष्टिकोण से अगर आप उनको प्रयोग करेंगे तो आप कंफ्यूजन पैदा करेंगे, आप विकृति पैदा करेंगे। खैर मैडम ऋतु तलवार, क्योंकि फिर इसको हम पूर्णता की ओर अग्रसर करेंगे,
मैडम ऋतु आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? चंदन लाल जी, डॉक्टर चंदन गुप्त जी, ओके चलिए। मैडम अनुभा आप कोई? यस सर, मैं अभी जैसे फिर उसके बाद इसको समाप्त करेंगे। हाँ सभी लोग बात कर रहे हैं, यही मेरा तो यही एक प्रश्न भी कह लो या एक खोज में हमारी तो इसी बात की रिसर्च हो जाती है कि सभी हम लोग परेशान हैं कि सिलेबस कैसे होगा, बच्चों को कैसे हम इसकी तरफ करें कि वो उसको थोड़ा सा पकड़े भी, समझे भी, इंटरेस्ट भी हो उनमें, इंटरेस्ट क्रिएट करना हम नेचुरली बात है कि हम टीचर्स का ही काम है। लेकिन जब तक सिलेबस ऊपर से नहीं आता, जब तक सिलेबस एक वो पूरी तरह से ऑफिशियल वे में नहीं लगता, तब तक हम उसको पढ़ा के भी क्या करेंगे, क्योंकि अपना ही सिलेबस पूरा हो जाए उसी से बता दें वही बहुत है। जैसे कि अभी यहाँ पर विद्वानों ने बताया कि सर जयप्रकाश सर बता रहे थे कि आयुर्वेद को तो समझें, आयु को समझें तभी आयुर्वेद समझ में आएगा, या सर ने बताया कि सभी सदानंद जी ने बताया कि सभी जो सब्जेक्ट्स हैं वो अपनी अपनी लैंग्वेज में उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन हमें अपने दायरे से तो बाहर निकलना पड़ेगा। वो तो मुझे समझ में आती है बात सर कि हम संस्कृत को पढ़ाने के लिए इंग्लिश को भी पकड़ें, हिंदी को भी पकड़ें, लेकिन एटलीस्ट हमारे हाथ में कुछ तो दिया जाए ना, कोई सिलेबस तो दिया जाए, फिर हम उनको बच्चों को उसको अलग अलग तरह से, चाहे उसका प्रैक्टिकल तरीका है, चाहे अप्लाइड तरीका है, चाहे क्वेश्चनेयर है, चाहे हम बच्चों को फील्ड में लाके पढ़ाएं, चाहे हम उसके क्लासरूम के अंदर पढ़ाएं, कुछ तो ऐसा हो कि हमारे ऑफिशियली हाथ खुले हो और हम नया सिलेबस निकाल के उसमें से नए फैक्ट्स निकाल के उनको बच्चों को पढ़ाएं। ठीक है वैल्यूएटेड कोर्स भी बन जाएंगे या अलग अलग हम छोटा बहुत थोड़ा बहुत डाल भी देंगे, एक क्रेडिट का दो क्रेडिट का उनको समझा भी देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जब तक जब नया बच्चा आता है तो नया बच्चा आता है वो सबसे पहले दिखता है, हम टीचर्स कहते हैं ये सिलेबस तो देखो, उस सिलेबस में ये है वो है, तो वहां पर कोई भी इतना कुछ चेंज नहीं है, माइनर और मेजर चेंज में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वही चीजें आगे तक चली आ रही हैं। जब तक हम उसको इंटरेस्टिंग भी नहीं बनाएंगे तब तक हम उन बच्चों को उसमें से नए फैक्ट्स निकाल के समझा भी नहीं पाएंगे। तो फिर अगेन मेरा यही क्वेश्चन है कि हम सबकी पीड़ा तो है, लेकिन इस पीड़ा को कैसे आगे तक पहुंचाया जाए या कैसे दूर किया जाए, या हम अथॉरिटी तक कैसे अपने आप को पहुंचाए कि नहीं हमें ये ऐसा नहीं ऐसा करके दें। मेरा तो यही बार बार क्वेश्चन है कि कैसे किया जाए। जी जी बातें तो हो गई, डिस्कस भी हो गई, हम मानते भी हैं, बहुत सेमिनार्स भी हो गए, हम आपस में एक दूसरे सिर भी पटक लें तब भी इसका तब तक तो सोल्यूशन नहीं होगा ना, जब तक ये सिलेबस की फॉर्म में ना आए, बस यही बात है। तो ये माइंडसेट के साथ थोड़ा सा लड़ना तो पड़ता है। बाकी ये जो चर्चा हुई है इसके बारे में वीसी को भेजूंगा भी, अभी रिमाइंडर भी डालूंगा, जो लेटर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था उस लेटर का रिमाइंडर। साकी माफ कीजिएगा, एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, अभी जिस जयप्रकाश सर कह रहे थे कि हम लोग मतलब जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को इंग्लिश भी पढ़ाना चाहते हैं, नेचुरली इंग्लिश तो बुरी तरह से छाया हुआ है, पढ़ाना चाहते हैं, फिर जब तक हमारी जड़ों में संस्कृत नहीं घुलेगी, जब तक स्कूल्स में भी कंपलसरी नहीं होगी, हम चाहे एनईपी ले आए, चाहे हम संस्कृत के कॉलेज के टीम महाविद्यालयों के टीचर्स कुछ भी करें, जब तक बच्चे का पीछे से ही इंटरेस्ट क्रिएट होके नहीं आ रहा, जब तक उसको उसकी महत्ता नहीं पता, वो ग्रेजुएशन लेवल पे आके एकदम से संस्कृत को कैसे अडॉप्ट कर सकता है, उसमें कैसे इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हमने कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसमें डाल दिए, अगर हमने उसकी यूटिलिटी उसको साबित कर दी कि भाई तुम अगर इस तरह से काम करना सीखोगे, मान लीजिए मैं उसको कहता हूँ कि भाई तू इस तरह से अपना पर्सनैलिटी एनालिसिस कर, एवेल्युएट कर, फिर उसके बाद काउंसलिंग की जाएगी, या मैं उसको ये सिखा देता हूँ कि भाई इस तरह से क्वेश्चनर्स डिजाइन होते हैं संस्कृत शास्त्र के आधार पे, और फिर तुम जो है जाकर के गवर्नमेंट का पॉलिसीज का मूल्यांकन करो, या मैं उसको कुछ स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में समझाता हूँ संस्कृत शास्त्र बाणभट्ट के आधार पे। तो वो बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल विषय हैं जो हमें अभी, मैं हाँ एक विषय आपके साथ साझा करता हूँ और फिर इसको समापन करेंगे डॉक्टर बेने जी। मैंने अभी कुछ दिन पहले जो है एजुकेशन वालों के साथ दोबारा जब बात कर रहा था,
उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि संस्कृत शास्त्रों के आधार पे जो स्पोर्ट्स हैं क्रीड़ा है वो अपने सब्जेक्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे, वो अपने उसमें वो एडप्ट करेंगे। उसके लिए मैंने उनको 120 जो संस्कृत शास्त्र आधारित क्रीड़ाएं हैं उसका जो है वो उनको पुस्तक भी भेज दी है और वो उसको लागू भी करेंगे और वो प्रैक्टिकल भी होगा, क्योंकि पहले 4 बार तो मैं वो क्रीड़ा जो है संस्कृत शास्त्रीय क्रीड़ा जो है वो मैं करवा चुका था, उसको उन्होंने देखा भी था, उसमें पार्टिसिपेट भी उनके बच्चों ने किया था, तो उनको वो आइडिया था। तो कम से कम अगर उन्होंने योग एंड मेडिटेशन इंक्लूड कर लिया है तो अगली बार में अगर वो इसको संस्कृत क्रीड़ा को डाल लेते हैं तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात होगी। और इसी तरह से मेरे मन में जो तीसरी बात है कि भी वहां पर जो हमारा सामुद्रिक शास्त्र है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में सामुद्रिक शास्त्र भी बड़ा महत्व रखता है, तो वो भी मैं धीरे धीरे उनको कहूंगा। वो लोग उत्सुक हैं, लेकिन हम लोग कुछ भी करने को उत्सुक नहीं है। हम लोग है कि भी अच्छा वो पहले मक्खी मारी थी, उसी मक्खी को अब फिर दोबारा मारेंगे और कहेंगे कि देखा हमने नए बना दिए। तो ये सारे विचार की बातें हैं, दोबारा हम करेंगे, परस्यू करूंगा। बाकी ठीक है कि सब कुछ नहीं किया जा सकता और सब कुछ मुझे पता हो ऐसा भी कुछ नहीं है, तो लेकिन पुरुषार्थ से मुख नहीं मोड़ा जा सकता, कर्म से मैं पीछे नहीं हट सकता, कर्म हम करते रहेंगे। अब इसके बाद इस सारे का जो है वो आशुतोष जी, सर आशुतोष जी एक बात कहना चाह रहा था। जी जी, जैसे हम ना, हमें पता है कि चीजें जो है ना बड़ी कठिनाई के दौर में है, एकदम हमें समय हमारे पास कम है और कई तरह की तकनीकी समस्या, वो सब बातें अपनी जगह है, पर मैं एक बात कह रहा हूँ आशुतोष जी, 4-5 पेपर तो इस बदलते उसके अनुसार बनाकर मैंने आपके पास भेजे जी, जिनको जी। आप बोर्ड से पास हुआ, सारी सारी रात बैठे रहे जी। आप करने वालों से तो पूछ लो ना, अपन रोने का मेरा मन भी करता है जी, पर मुझे लगता है कि अगर रो ही लूं तो इससे तो समाधान होने से रहा। कंटेंट राइटिंग का जो हमने बनाया उसमें हमने आप कम से कम 2 ऐसे विषय हैं जिनको समान आदर दिया, आपके साथ हमने उसको साझा किया जी, ठीक है। जो दूसरे विषयों के बच्चों के लिए पेपर बनाया उसको जर्नलाइज करने के लिए आपसे और लोगों से सुझाव लेके कितना वो किया, तो ऐसा बड़ी मेहनत लगी है। मैं वही कह रहा हूँ, रोने रोने का मेरा मन भी करता है, लेकिन उससे हासिल कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। प्रश्न क्या है, देखिए अब आप एक बात देखिएगा, आपको संवाद करना पड़ेगा दूसरे जो विषय हैं उनके साथ, इंग्लिश वालों के साथ बात कीजिए, उनके वहां आप किस तरीके, ये तो आपको तय करना है कि उनके वहां आप अपना कौन सा योगदान दे पाएंगे। और जैसे अभी मैडम कह रहे थे कि जैसे बच्चा संस्कृत नहीं पढ़ के आता, मैं फिर कह रहा हूं आप इस परिधि से बाहर निकलिए, विषय ये नहीं है, आप वहां पर स्कूल लेवल पर कितने बच्चे संस्कृत पढ़ रहे हैं और वो विषय नहीं है, विषय ये है कि जब और अलग विषय पढ़ते विद्यार्थियों को जो कॉन्सेप्ट है वो आप संस्कृत कॉन्सेप्ट से उनको स्पष्ट करोगे, आप भले ही उसे इंग्लिश और हिंदी की उनका जो भी माध्यम है उसमें बताएं, बच्चे को संस्कृत में व्याख्यायित कॉन्सेप्ट से प्यार होना चाहिए, संस्कृत का प्यार वो स्वयं खोज लेगा। आप संस्कृत के शब्द पे ना अटको, मैं अब भी कह रहा हूं दिन रात हम यही मत्था मार रहे हैं अभी 1 महीने से डायरेक्टर मैडम, हम आपको यकीन नहीं आएगा, सुबह से लेकर रात रात तक बैठे रहे हम, एक एक टॉपिक को डालने में बड़ा जोर लग रहा है, हमें भी पता है, हमें भी गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैंने ये बात जो समझी कि दिक्कत क्या आ रही है, मैंने आपके विषय को अपने यहाँ सब सब्जेक्ट के विद्यार्थी पढ़ने आएंगे डॉक्टर साहब, वो जो मैंने आपको भेजा था पेपर उसमें सभी डिसिप्लिन से बच्चे पढ़ने आएंगे, उसमें जो हमने कॉन्सेप्ट संस्कृत से यूज करे वो कॉन्सेप्टों की व्याख्या बच्चे के भीतर संस्कृत के प्रति सम्मान स्वयं पैदा कर देगी। जी जी बिल्कुल, आप किसी औषधि से किसी व्यक्ति को अचेत अवस्था के अंदर उसके मुंह में डालकर राहत दो तो औषधि का महत्व उसका गुणगान वो अपने आप हो जाएगा। प्रश्न क्या है कि आप खोजो कि इसको ये मेडिसिन देनी है इस टाइम, बस आप वहां नहीं आ रहे, फिर आप संस्कृत के शब्द पे अटक गए, फिर ये दिक्कत आएगी। तो मैं ये कह रहा हूं अब आप देखना
उन सब्जेक्ट को सभी विद्यार्थी पढ़ेंगे दूसरे सब्जेक्ट के, और अंग्रेजी के वर्चस्व को तोड़ते हुए अपनी शब्दावली को हमने डाला, अंग्रेजी का विद्यार्थी भी पढ़ेगा, साइकोलॉजी के भी पढ़ेंगे, कॉमर्स के भी पढ़ेंगे। जी जी जी। तो आप भी अब अपने इंग्लिश और दूसरे विषयों के विद्यार्थी टीचर्स के साथ बात कीजिए, आप उनके जो वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं उनके अंदर अपनी तरफ से क्या डाल सकते हैं, ये बात। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर जीवन आशा जी, अंतिम हम और मैडम रेणुका ध्यानी जो हैं, डॉक्टर रेणुका ध्यानी जी वो पंचकुला से जुड़ी हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में इंग्लिश की हैं लेकिन संस्कृत के प्रति उनका बड़ा लगाव है। मैडम जीवन आशा, आप कुछ कहना चाहेंगी? चलिए, तो कुल मिलाकर के हमने जितनी बात समझ सकते थे, सोच सकते थे, वो हमने देखा समझा, और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो वर्तमान पाठ्यक्रम है ये कोई संतोषजनक नहीं है। ये बिल्कुल अंग्रेजी का, जहाँ से मैंने बात शुरू की थी, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, ये वो वाला किया है कि फॉर्मेट जो है वो NEP का ले लिया है और वही जो पुराना था, जो 50 साल पुराना सिलेबस है, उसी को उठा के डाल दिया है। ना तो उसका कोई कॉन्टेक्स्ट दिया है कि जिसका हम उपयोग कर सकें, जैसे कि प्रदीप जी कह रहे थे या और लोग कह रहे हैं और विषय हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि हमें BC साहब को एक प्रेजेंटेशन दोबारा देनी चाहिए, उनके माध्यम से BOS की एक मीटिंग दोबारा से हो और उनको कहें कि आप एक ओपन हाउस मीटिंग करें। तो ये मैं प्रयास दोबारा करूंगा। और बीच में अभी दोबारा शायद हाथ उठाया था डॉक्टर जीवन आशा जी ने, मैडम कुछ कहना है? जी मैडम। सर मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा सेमिनार हुआ हमारा, डिस्कशंस पहले भी आपके साथ, प्रदीप जी ने भी बहुत अच्छी बातें, डॉक्टर बीने ने सारी बातें कही। म्यूट हो गई हैं, शायद म्यूट हो गई हैं। वो बड़े आगे बढ़ते जा रहे हैं, कॉमर्स कंप्यूटर, जैसे हमने बहुत सालों से कंप्यूटेशनल संस्कृत। मैडम जीवन आशा जी प्लीज अपने को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, मैंने किया हुआ सर, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, हाँ जी। मैं कह रही थी कि हमने सबकी बातें सुनी और पीड़ा एक ही है, संस्कृत के प्रति प्रेम और संस्कृत की भाषा की डेवलपमेंट। तो उसमें हमने जैसे प्रदीप जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, डॉक्टर विनय ने भी, मैसेज ऑलमोस्ट सबका सेम ही है कि किस तरह से हम इसको आगे बढ़ाएं। तो उसके लिए हमें जो प्रयत्न करना है, वो इंटरडिसिप्लिनरी की बात भी हुई, उसके लिए अब NEP में प्रयास हो रहा है। इंडियन नॉलेज सिस्टम की जो बात है ना, मुझे लगता है कि VCs डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के VCs के साथ मीटिंग की जाए, जिससे कि ये डेवलपमेंट जो है इंटरडिसिप्लिनरी शुरू हो जाएगी। जब, क्योंकि बात लैंग्वेज की नहीं है, बात संस्कृति की है, ये भी यहाँ कहा गया, ये बिल्कुल ठीक बात है। और संस्कृति के थ्रू जब संस्कृत सामने आएगी तो मुझे लगता है कि कोई भी इंस्टीट्यूट हमारी इससे बच नहीं पाएगी और बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो पाएगी। तो अगर इस तरह से डिफरेंट सभी यूनिवर्सिटीज के VCs के साथ संस्कृत टीचर्स की और अन्य जो सब्जेक्ट्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, लार्ज स्केल पे काम किया जाए, क्योंकि हम जो सेमिनार करते हैं संस्कृत वालों के साथ, सेमिनार करके संस्कृत तक ही सीमित रह जाते हैं और पीड़ा हमारे अंदर ही रह जाती है। कंप्यूटेशनल संस्कृत की बात बड़े सालों से कर रहे हैं, लेकिन संस्कृत वालों को कंप्यूटर नहीं आता और कंप्यूटर वालों को संस्कृत नहीं आती, वहां पे ये अभी तक मैडम लागू ही नहीं करने दे रही पाया है ना। तो यदि हम कंप्यूटर वालों को साथ में जोड़ करके संस्कृत के साथ करें, तो मुझे लगता है कि जो फॉन्ट, मुझे क्योंकि नॉलेज नहीं है कंप्यूटर की, इसलिए मैं वो शब्द न तो नहीं यूज कर सकती, जैसे फॉन्ट है वो कैसे है, कोई दिक्कत नहीं है, बस लागू करने की बात है। जी जी, वो लागू कैसे हो, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इतनी बढ़िया है, मैं DA यूनिवर्सिटी में अभी काम कर रही हूँ, बहुत सारे सिलेबस मैंने बनाए हैं, तो उसमें बड़ा अच्छा मुझे लगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। ये नोएडा की यूनिवर्सिटी है, वो काफी अच्छा काम कर रही है, उसमें उन्होंने काफी सारे सेमिनार किए, मैंने पार्टिसिपेट भी किया उसमें, तो मंगलम यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से हमें ये थोड़ा सा संस्कृत को
लेकर के सारे ही स्टेट मेनली हरियाणा और पंजाब का तो बहुत ज्यादा जरूरत है कि आगे जाके इंडियन नॉलेज सिस्टम को डालते हुए यदि हम बीसीएस वगैरह के साथ इंटर करें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है सॉर्ट आउट हो जाए। क्या चल रहा है बाकी अगर आपको कोई ऐसी आवश्यकता हो कंप्यूटेशनल संस्कृत और अन्य विषयों के सिलेबस की तो आप मुझे बताइएगा मैं शेयर कर दूंगा। आपने दो बताई ये भी थोड़ा सा ये डॉक्टर सुभाष चंद्र की हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली में है ये की है और वो डॉक्टर सुभाष जी जो थे वो पहले गूगल में थे संस्कृत अपना एमए करके और एमपी करके उनको जॉब मिल गई थी गूगल में। उसके बाद उनके टीचर ने कहा कि नहीं प्राइवेट जॉब में नहीं आना आप टीचिंग में आओ क्योंकि टीचिंग में अगर आप तैयार करोगे आगे के लोगों को तो संस्कृत का विकास होगा। तो ये डॉक्टर जी जी मैडम बिंदु सर हाँ जी थैंक यू सर। सर मैं ये बोल रही थी कि आप इतने उच्च पद पे और समर्थ लोग हैं मैं तो एक लेखक हूँ है ना और संस्कृत शिक्षा चार्य कर रखा है मैंने लेकिन मैं ये समझती हूँ कि बच्चों को तकनीकी रूप से वो संस्कृत टाइप कर पाए ये सिखाना जरूरी और एक संभाषण भाषा की नॉलेज के बाद ही वो आगे पकड़ पाएंगे और इसका नियमित कोई अभ्यास की व्यवस्था आप लोग कर सकते हैं और इसको पकड़ने के बाद बच्चे अपने आप उसको पकड़ेंगे और उसको ग्रहण करेंगे और उनमें रुचि भी जागृत होगी मेरा ऐसा मानना है। यही प्रयास कर रहे थे बड़ी देर से प्रयास तो यही कर रहे थे मैं तो अपने कॉलेज में इसी तरह से करता हूँ कि उनका कंप्यूटेशनल जो लिंग्विस्टिक लैब है उसका यूज करते रहे हैं मैडम विनय करती नहीं है तो हम लोग तो प्रयास करते रहे हैं लेकिन उसको हम ऑफिशियली कभी लेकर के नहीं आ पाए कि यूनिवर्सिटी की ओर से तो खैर चलिए देखते हैं। चलिए मेरा ये विचार है कुल जी जी प्रदीप जी आशुतोष जी हाँ जी हाँ जी मैं अभी जो मैडम पहले बोल रहे थे और कुछ लोग जिन्होंने जो है वक्तव्य को समझ महत्व दिया और उन्होंने अप्रिशिएट किया मैं उनका धन्यवाद करता हूँ तो श्रोता और पाठक का धन्यवाद विशेष बनता है। धन्यवाद बहुत बहुत मैडम आपका। ठीक है चलो ठीक है सर तो इस सारे को मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको एक बना करके वीसी साहब को भेजूं वीसी साहब के माध्यम से डिपार्टमेंट को भेजूं और बीएस को भेजूं और ये निवेदन कर उनसे कि वो एक बार पुनः विचार करें पुनः मीटिंग करें अपनी और लोगों को अगर उपाय से कर सकते हैं ताकि जो है उसको इसी के साथ मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर विनय सिंगल जी को कि वो इस सारे विषय के ऊपर अपने जो हैं वो विचार रखें और उसके बाद हम इसको समाप्त कर लेंगे आज ही वार्ता को। धन्यवाद सर मैंने अब हम लोग समस्या को इसको पाठ्यक्रम को समस्या तो नहीं कहेंगे इस पर एक विस्तृत रूप से विचार करने का हमने प्रयत्न किया था और मुझे लगता है कि हमारे साथ सुधीरजन जुड़े जो हृदय से संस्कृत से प्रेम करते थे जो हृदय से संस्कृत को चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़े भी और उन्होंने अपने वक्तव्य भी दिए और इनके जो वक्तव्य हैं जो इनके सुझाव हैं वो अंत हृदय से ग्राह्य है क्योंकि हम और बहुत अच्छा लगा कि हम अपनी सीमाओं को तोड़ करके और इस संस्कृत शब्द की सीमाओं को तोड़ करके जब हम दूसरे विषयों में प्रवेश करेंगे तभी हमें भी अपना स्थान मिलेगा और हमें भी अपने उस दायरे से बाहर निकलना होगा। ये सुझाव बहुत अच्छे थे लेकिन जो इस समय हमारे पास पाठ्यक्रम आए हैं उसके दायरे से उस दायरे में भी हम कुछ एक विषयों को लेकर आते हमारा केवल इतना प्रयास रहा क्योंकि हम केवल कूप मंडूक बनकर रह जाए और हम थोड़ा सा अपने आप को विस्तृत तभी करेंगे जब हमें ये थोड़ा सा मौका दिया जाएगा कि हम थोड़े विस्तार कर ले। प्रयत्न हम लोग बहुत कर रहे हैं डॉक्टर आशुतोष जितने प्रयत्न बहुत कम लोग कर पाते हैं और इसीलिए हम इनसे साझा कर लेते हैं बात को और इनके अब भी प्रयत्न जारी रहेंगे और आप सभी जन इनके साथ हमारे साथ जुड़े और अपने अपने जो विशेष
अनुभव थे और जो विशेष सुझाव थे वो इसके लिए दिए, उसके लिए हम सबका अंत हृदय से धन्यवाद करती हूँ मैं अपनी ओर से और सभा की ओर से भी सभी का अंत हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद मैम। डॉक्टर जयप्रकाश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, विषय से हटके एक प्रश्न था, एक आनंद रामायण करके है संस्कृत में है, इसके लेखक कौन है? मेरी जानकारी में मुझे ध्यान नहीं है इस वक्त, मैं देख के बता सकता हूँ आपको। किसी को ध्यान हो गया? नहीं, मैं देख के बता दूंगा आपको। ठीक जी, मैं आपको भेज दूंगा सूचना। चलिए ठीक है, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने समय दिया, अपना विचार साझा किए, अपनी हमारी पीड़ा को सुना भी और अपने भी विचारों को आपने हमारे साथ साझा किया तो सबके लिए धन्यवाद। और देखते हैं आगे का भी हम रखेंगे, पुरुषार्थ का हम साथ नहीं छोड़ सकते, कर्म नहीं छोड़ सकते और छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये संस्कृतज्ञों का जो है ये प्रतिज्ञा है, न दैन्यम न पलायनम। ठीक है, सफलता ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मिली अब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न कर्म का साथ छोड़ेंगे न पुरुषार्थ छोड़ेंगे तो लगे जरूर रहेंगे। हो सकता है कहीं जाके कब बीज फलेगा फूलेगा कह नहीं सकते, लेकिन चलिए आज के लिए प्रयास सफल है। तो आप लोग संपर्क में रहिएगा, कोई अगर कोई जिज्ञासा हो, कोई बात हो तो आप हमें बता भी सकते हैं, मैडम देने को बता सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, या हमारे से जानना हो तो। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं, फॉर्म मैंने भेज दिया था मैडम ने। डॉक्टर मौसम कुमार ठाकुर जी रहेंगे सर, आप आचार्य महोदय आप जी 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 सम टाइम फॉर फिलिंग अप एंड सेंडिंग द फॉर्म। आई विल गेट, हां हां, नो इशू, आई विल गेट इट इन माय मोबाइल नाउ दैट लिंक। हां, यू कैन और यू कैन ओके, आई विल शेयर विद यू, काइंडली सेंड माय मोबाइल। जी जी जी, विल फिल अप इन बिटवीन, इट इज डिफिकल्ट टू फिल अप। धन्यवाद, पुनर्मिलन।